द सर्मन गॉड कॉल्ड मैन वॉज डिलीवर्ड बाई ब्रदर विलियम मेरियन ब्रनम ऑन संडे इवनिंग अक्टूबर 5, 1958 एट ब्रनम टबर्निकल जेफरसन विले इंडियाना यूएसए। ये समाचार हमारे प्यारे भाई विलियम मेरियन ब्रनम द्वारा अक्टूबर 5, 1958 में ब्रनम टबर्निकल जेफरसन विले इंडियाना में प्रचारित किया गया। इसका अंग्रेजी शीर्षक गॉड कॉल्ड मैन और हिंदी शीर्षक परमेश्वर द्वारा बुलाया हुआ मनुष्य है। मुझे खेद है कि आपको दीवार के सहारे इतने समय तक खड़ा रखा। I passed by here on another appointment about an hour and a half ago, and the people were turning away from the door, going away. मैं यहाँ से दूसरे निर्धारण की ओर निकल गया था लगभग एक या आधा घंटा पहले, और लोग दरवाजे पर से लौट रहे थे, जा रहे थे। I met Billy out there, and he said the place had been ready for the service to start since this afternoon. मैं बिली से मिला और उसने कहा कि स्थान इस दोपहर बाद से सभा के लिए तैयार है। So we just had this little meeting here. We never even put it in the local papers. इसलिए हमारी यहाँ एक छोटी सी सभा थी, हमने इसे लोकल अखबारों में नहीं दिया था। So we just have a little time of fellowship. इसलिए हमारे पास संगति के लिए थोड़ा समय था। And now it's always busy, as the out of town people would know that here at the home place it's always on the jump, running from place to place and squeezing. So I'm kind of getting used to it. जैसा कि नगर से बाहर के लोग जानते होंगे, जब घर पर रहा जाता है तो हर समय व्यस्त रहते हैं, हमेशा जल्दी में रहते हैं, इधर उधर जाना और जल्दी जल्दी, इसलिए मैं इस बात का अभ्यस्त हो गया हूँ। I just get to a place so I don't let it bother me as much as possible. मैं ऐसे स्थान में जाता हूँ जहाँ तक हो सके मुझे इन बातों की चिंता ना करनी पड़े। And you know you have to spend just a little bit of time and should be more with the Lord. और आप जानते हैं कि आपको थोड़ा समय खर्च करना पड़ता है और प्रभु के साथ अधिक से अधिक रहें। If you don't do that, then you don't come into the meeting with the freshness of the Holy Spirit. यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप सभा में पवित्र आत्मा की ताजगी के साथ नहीं आ सकते। And when you come in like today has been, where it's been just one great, great glamour. और जब आप अंदर आते हैं जैसे कि आज हुआ, जहाँ की केवल एक बड़ा मोह है। Well, it's kind of hard sometimes for me to come in to keep from being just a little pinched and pushing, you see, and get myself upset. कभी कभी मेरे लिए एक प्रकार से कठिन है कि इन छोटे छोटे झटकों धक्कों से बचकर आऊं, आप समझे, और स्वयं को परेशान करूं। Want to do that, and I just can't find the Holy Spirit anywhere in it. जब मैं ऐसा करता हूं, तो मैं इसमें कहीं भी पवित्र आत्मा नहीं देख पाता हूं। So I feel sorry for people who stand and in the aisles and around the outside, and they come up, look in, get in their car, and go back away. इसलिए मुझे खेद होता है यद्यपि लोगों के लिए जो आराधनालय के गलियारे और बाहर चारों ओर खड़े रहते हैं, और वे आकर भीतर देखते हैं और वापस कार में जाकर वापस हो जाते हैं। I wanted to get the high school down here to hold just a few nights meeting, but the school's going on at this time. मैं वो हाई स्कूल कुछ रात्रि सभाओं के लिए लेना चाहता था, परंतु आजकल वो विद्यालय चल रहा है। It's kind of hard for me to get it during that time. और इस समय के चलते मेरे लिए ये कठिन है। But I want to say that I certainly do appreciate every one of you. Inside and out, and for your fine cooperation, and for all that you have done. परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि निश्चय ही मैं आप में से प्रत्येक की सराहना करता हूँ, जो अंदर और बाहर हैं, और आपके अच्छे सहयोग के लिए, और उस सब के लिए जो आपने किया है. And this morning in the Sunday school, I thanked the people for the offering that was given to me last night, which was an unsolicited offering. इस प्रातः संडे स्कूल मैंने उन लोगों का धन्यवाद किया जिन्होंने बीती रात्रि मेरे लिए दान दिया, जो कि एक अविनय दान था। Frankly, I told the pastor here, our beloved pastor, Brother Neville, and them, I'd rather they would not do that, but they did it anyhow.
So I just wanted to report on it. खुले रूप में मैंने यहाँ के सेवक हमारे पास्टर भाई नेविल और उन्हें बता दिया था कि मैं चाहूंगा कि वे ये ना करें, परंतु उन्होंने किया। जो भी है मैं इसे बताना चाहता हूँ। Now this is a small place and it won't seat over about 300 people, I don't think. अब ये एक छोटा सा स्थान है, यहाँ मैं नहीं सोचता कि 300 से अधिक लोग बैठ सकते हैं। And the offering was $324, which means that the average about $1 a piece. और दान $324 था, जिसका अर्थ है औसतन प्रत्येक ने लगभग $1 दिया। That's the best offering I ever had given me in my life for the amount of people. मेरे जीवन का ये सबसे अच्छा दान है जो कभी मुझे मिला, इन लोगों की गिनती के अनुसार। Usually it average about 24 cents a person. अधिकतर औसतन ये प्रति व्यक्ति 24 सेंट के लगभग होता है। 25, 27 cents is a great offering to a person. 25, 27 सेंट प्रति व्यक्ति बड़ा दान होता है। But this average around a dollar a piece, and I certainly do appreciate that. परंतु इसका औसत $1 प्रति व्यक्ति, और निश्चय ही मैं इसकी सराहना करता हूँ। And maybe I didn't get this morning to express to some of you. और संभव है ये प्रातः मुझे ना मिलती कि मैं आप लोगों पर ये प्रकट ना करता। We found jelly, box of jelly sitting on the steps, and little presents has been sent into us. हमें फलों का मुरब्बा मिला, मुरब्बे का बॉक्स सीढ़ियों पर रखा हुआ था, और एक साधारण से व्यक्ति ने ये हमें भेजा। The wife and I wish to express our thankfulness to you people. पत्नी और मैं, हम अपना धन्यवाद आप लोगों पर प्रकट करना चाहते हैं। I'm sure that the best that we know how, all of it be for the kingdom of God. और मैं निश्चित हूँ सबसे अच्छा जो हम जानते हैं कि ये सब परमेश्वर के राज्य के लिए है। And it makes me just feel like I wish I had a great big place where we could just continue to go on for a long time and minister to the people. और इससे मुझे कुछ ऐसा लगा, मेरी इच्छा है मेरे पास बड़ा सा स्थान होता जहाँ पर हम लंबे समय के लिए इसे जारी रखते और लोगों की सेवा करते। But even tonight after this service, I'm supposed to go, which I won't be able to leave tonight, but early in the morning, to go away. परंतु आज ही रात्रि सभा के पश्चात मुझे जाना है, जो कि मैं आज रात नहीं जा पाऊंगा, परंतु प्रातः जल्दी ही चला जाऊंगा। I get back next Saturday night, leave Sunday morning again for Colorado. अगले शनिवार रात्रि मैं वापस आकर और रविवार प्रातः कोलोराडो को फिर रवाना होऊंगा। And just one right after the other. Going. और रात्रि के बाद दूसरी रात्रि जाना है। And then my next overseas meeting comes in January, which is in Australia and New Zealand and through there. और तब मेरी अगली विदेश की सभाएं जनवरी में हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और उनमें से होते हुए। I want you to pray for me. I certainly do desire your prayers. अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। निश्चय ही मेरी इच्छा है कि आप लोग प्रार्थना करें। And then want to all of us to be grateful to Almighty God, Amen. Who has done such great things for us in this little meeting. और तब मैं चाहता हूँ कि हम सब उस सर्वसामर्थी परमेश्वर के आभारी हों जिसने हमारी इस छोटी सी सभा में इतने बड़े कार्य किए हैं। I believe for the amount of time there has been more accomplished in this meeting than any meeting I ever held in my life. At this tabernacle. समय अवधि के लिए मेरा विश्वास है कि ये सभा अधिक गुण संपन्न रही बजाय किसी और सभा के, जो कि अपने जीवन में मैंने कभी इस आराधनालय में की। The Lord has just seemed to open up the blessings. लगता है प्रभु आशीष देने पर है। I have thought maybe doing this meeting that from a vision that I have had that my ministry is going to be changed to a better and greater ministry. मैंने सोचा संभव है इस सभा की अवधि में कि दर्शनों से जो कि मुझे मिलते हैं, मेरी सेवकाई इससे अच्छी और महान सेवकाई में बदलने जा रही है। Now it's just going to happen just as sure as you people have heard these other three ministries predicted or these other two. जैसा कि आप लोगों ने सुना है ये होने ही वाला है, जो कि इन तीन सेवाओं की भविष्यवाणी हुई है या इन दो की। This one will be just like that, only greater. ये वाली भी उसी तरह की होगी, केवल उससे बड़ी। But the first night I just called the people up here to the altar. Went right straight back to discernment. परंतु इस पहली रात्रि मैंने केवल लोगों को यहाँ सामने ऑल्टर पे बुलाया
और सीधा उनको वार पार समझने में चला गया। दूसरी रात्रि मैं उन्हें कमरे में ले गया और सीधा सीधा उनके विचारों और स्थितियों को जानने में चला गया। और तब अंतिम दो रात्रियां हम उन्हें यहाँ मंच पर लाए और सीधे सीधे उनको वार पार समझने में चला गया। But just to report some things, a blind minister received his sight at the platform. परंतु कुछ बातों का ब्योरा देने के लिए मंच पर एक सेवक ने अपनी दृष्टि प्राप्त की। And two little girls last night sitting in the wheelchair with diseases that no one knows what it is, no doctor. और गत रात्रि दो छोटी छोटी बालिकाएं अपनी पहिए वाली कुर्सी पर बीमारी के साथ थीं और कोई नहीं जानता था कि ये क्या है, कोई डॉक्टर नहीं। Their feet way big, their toes dropping off, fingers dropping off, and nothing could be done for them. उनके पैर बड़े बड़े और उनके पंजे झड़ रहे थे, उंगलियां झड़ रही थी, उनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता था। And just while the Spirit was anointing, I went over and in the name of the Lord Jesus cursed that disease. और जब आत्मा का अभिषेक था, मैं प्रभु यीशु के नाम में गया और उस रोग को श्रापित किया। And up out of the wheelchair they went, and this morning walking around here in the tabernacle like any other child, and come over and was baptized with Christian baptism right here in the pool this morning. Amen. और वे पहिए वाली कुर्सी में से उठकर चली गईं और आज प्रातः इस आराधनालय में और बालकों के समान चल फिर रही हैं और आकर मसीही बपतिस्मा लिया इस प्रातः इसी तालाब में। I had a few minutes of study a while ago and there were some friends of mine, Brother Hoover, a minister from down in Kentucky, just passed by and left word with my wife that last night in a calling line out in the audience, women who did not have any prayer cards or anything, just sitting out there praying. जब मैं कुछ मिनटों का अध्ययन कर रहा था, थोड़े समय पहले मेरे एक मित्र, भाई हूवर, नीचे केंटकी में एक यहाँ से निकलते हुए मेरी पत्नी को एक बात कह गए कि गत रात्रि सभा में से पंक्ति बुलाते हुए एक महिला जिसके पास कोई प्रार्थना पत्र या कुछ नहीं था, केवल वहाँ बैठी प्रार्थना कर रही थी। And there had been one woman that had not eaten for I forget how long a meal. Gross in her stomach, all filled up. And the Lord called her and healed her. और वहाँ पर एक महिला थी, मुझे स्मरण नहीं उसने कितने समय से खाना नहीं खाया था, उसके पेट में मांस बढ़कर भर गया था और प्रभु ने उसे पुकारा और उसे चंगा कर दिया। And this morning she got up and ate a normal sized breakfast and here somewhere tonight. Amen. और आज प्रातः वो उठी और साधारण तरह से नाश्ता किया और आज रात्रि यही कहीं है। And others was telling about. और दूसरा बता रहा था। And oh, the time would not permit of the things that our Lord has done. Oh, समय अनुमति नहीं दे रहा है कि बताएं कि प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या किया है। So to us that gives us courage to know that it's just near something's fixing to happen. Great. इसलिए हमारे लिए ये जानने के लिए साहस बढ़ता है कि ये पास ही है, कुछ महान घटित होने को है। Last evening after the service, after the message, I never at any time ever seen the Holy Spirit ever anoint people any greater than it did last night. गत सांझ सभा के पश्चात संदेश के बाद मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि पवित्र आत्मा ने कभी लोगों को इतने महान तरीके से अभिषेक किया हो जैसे पिछली रात्रि किया। We're looking forward to another tonight. हम अगली दूसरी रात्रि की राह देख रहे हैं। And now pray for me. और अब मेरे लिए प्रार्थना करें। And I want to read some of God's blessed word. And before we read the word, let's just talk to him with our heads bowed just a moment. और मैं परमेश्वर के आशीषित वचन पढ़ना चाहता हूँ और इससे पहले कि हम वचन पढ़ें, हम एक क्षण के लिए अपने झुके हुए सिरों के साथ हम उससे बातें करें। Dear Heavenly Father, we come to Thee tonight, maybe just a little tired in the body, but oh, how our spirits are refreshed. प्रिय स्वर्गीय पिता, आज रात्रि हम तेरे पास आए हैं, हो सकता है हम अपने शरीरों में थोड़ा सा थके हों, परंतु ओ हमारी आत्माएं कितनी ताजगी में हैं। The signs of the living God
that he's with us and blessing us and giving to us that which he promised, the exceedingly abundantly above all that we could do or think. और जीवित परमेश्वर का चिन्ह कि वो हमारे साथ है और आशीषित कर रहा है और जो उसने प्रतिज्ञा की है वो दे रहा है खूब भरपूरी से हमारे सोचने या हमारे करने से अधिक. And if we have found grace in thy sight through believing on thy Son, the Lord Jesus, we would ask tonight that you would visit us again with a double portion of thy Spirit. और यदि हमें तेरी दृष्टि में अनुग्रह प्राप्त हो तेरे पुत्र प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा तो हम तुझसे आज रात्रि मांगते हैं कि तू अपनी आत्मा के दूने भाग द्वारा आज हमसे फिर मिल. May it be poured out in great power and measures upon every person here to believe the gospel and to receive the power of the Holy Spirit in their lives. होने दे बड़ी सामर्थ और भाग के साथ ये प्रत्येक पर उंडेला जाए कि सुसमाचार का विश्वास करे और अपने जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ प्राप्त करे. Save those who are savable tonight, Lord, and heal those who are ready for healing. प्रभु जो आज रात्रि बचने योग्य हैं उन्हें बचाएं और जो चंगा होने के लिए तैयार हैं उन्हें चंगा करें. Grant it, Lord. प्रभु से प्रदान करें. And as we see the people pressing in, standing in the doors, hundreds turned away from the little church. और जैसा कि हम देखते हैं लोगों की भीड़ बढ़ रही है दरवाजों पर खड़े हैं और सैकड़ों छोटे आराधनालय से मुड़कर चले गए. It reminds us that Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. इससे हमें स्मरण आता है कि यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है. That in the days when he visited us here in a form of flesh, the press was so great they could not even get to him with a man and had to bring him through the roof of the building. उन दिनों में जब उसने हमसे शारीरिक रूप में होकर भेंट की भीड़ इतनी अधिक थी कि वे उसे उसके पास न ला सके और उसे भवन की छत में से होकर लाए. And we pray God that tonight that everyone's had to press in this way shall be rewarded as that man was. और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि प्रत्येक इस प्रकार से यत्न करे और वैसे ही इनाम पाए जैसे कि उस व्यक्ति ने पाया था. Bless thy word as we read it. And may it be a lamp, a light unto our path. For we ask it in Jesus' name. Amen. जब हम पढ़ते हैं तो अपने वचन को आशीषित करें और होने दें कि ये हमारे मार्ग के लिए उजियाला हो. हम इसे यीशु के नाम में मांगते हैं. आमीन. It was just reported to me just now that the girl that I called on this morning, an alcoholic that had been called out in the meeting in Chicago. नहीं, Rosella Griffith. मुझे अभी अभी बताया गया अभी अभी कि वो लड़की जिसे मैंने आज प्रातः बुलाया था, एक नशा करने वाली जिसे शिकागो में आज प्रातः बुलाया गया था. It was that she was sitting in a balcony when the Holy Spirit spoke to her and said she was an alcoholic. वो थी जब वो बालकनी में बैठी हुई थी जब पवित्र आत्मा ने उससे बातें की कहा कि वो एक नशा करने वाली है. And five great doctors of Chicago had given her up. और शिकागो के पांच बड़े बड़े डॉक्टरों ने उसे छोड़ दिया था. The alcohol synonymous had given her up. नशे के पर्यायवाची ने उसे छोड़ दिया था. And she was called out of thus saith the Lord. She was healed. She's never craved a drink from that time on. और उसे यहोवा यूं कहता है ने पुकारा वो चंगी हो गई. उस समय के बाद से उसने पीने की लालसा ही नहीं की. And another little lady up in the balcony above her, which was a friend of hers that they lived in Calumet City. और एक और छोटी महिला जो उसके ऊपर वाली बालकनी में बैठी थी जो कि उसकी सहेली थी वे केलमूट नगर में रहती थी. If anyone knows what that is, that's the borderlines where it's worse than Paris, France.
All kinds of evil going on. यदि कोई जानता है कि वो क्या है, ये रेखा पर है जो कि पेरिस फ्रांस से हर प्रकार की बुराई से जो हो रही है उससे अधिक घिरा हुआ है. And told her that she was a dope peddler and she was a dancer to Fred Astaire. उसे बताया कि वो इधर उधर फिरने वाली और वो फ्रेड एस्टर के साथ नृत्य करने वाली है. And her father resented it, but she raised up and said, "Dad, the man is exactly right." और उसके पिता ने इसका विरोध किया, परंतु वो लड़की खड़ी हुई और बोली कि पिता, वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक है. Sheena is married, the little girl, and is on her road out with her husband preaching the gospel. अब वो विवाहित है, वो छोटी लड़की, और अपने पति के साथ सुसमाचार फैलाने में अपनी राह पर है. Rosella is a mission worker from every jail service and everything that she can get into, telling alcoholics that there's a hope, and that's in Christ. Rosella mission कार्यकर्ता है, प्रत्येक जेल में सेवा और सब बातें जो वो कर सकती है कि नशा करने वालों को बताए यदि कहीं कोई आशा है तो वो मसीह में है. She's been very much burdened for her father. वो अपने पिता के लिए अधिक बोझ अनुभव करती है. No more than day before yesterday on a 10-minute private interview. अभी परसों से अधिक नहीं कि 10 मिनट के साक्षात्कार में. The girl has been a definite supporter of the meetings for the last 4 or 5 years. वो लड़की पिछले 4 या 5 वर्षों से सभाओं में एक निश्चित सहायक रही है. That she told me in a little 10-minute report out at the trailer on an interview that said, "Brother Ram, whatever you do, I'm terribly burdened for my father." उसने 10 मिनट की सूचना वृत्तांत में बताया, बाहर ठेले के पास साक्षात्कार में उसने कहा, भाई ब्रनम, आप जो भी करते हैं मैं अपने पिता के लिए बहुत ही बोझ का अनुभव करती हूँ. He loves you, but he just won't come to Christ. वो आपसे प्रेम करते हैं परंतु वो मसीह के पास नहीं आते. I said, "Rosella, God knows how to do that. He knows how to make him do it." मैंने कहा, रोजेला, परमेश्वर जानता है कि इसे कैसे करेगा. वो जानता है कि उससे ये कैसे करवाए. And the news comes now that he's buried beneath a carload of limestone. Let us pray for him. और अब समाचार मिला है कि वो चूने के ट्रक के नीचे दब गए. आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें. Lord, at that mouth of that faithful daughter, and him trapped down there that could die beneath it. प्रभु, उस आज्ञाकारी लड़की के मुख पर और वो जो वहाँ दब गया वो उसके नीचे मर सकता था. God grant that he won't, but his soul will look up and remember that you are God who can answer prayer under a limestone pile as same as you could in the belly of a whale. Amen. Or in the furnace with the fire, or in the den with the lion. परमेश्वर प्रदान करें कि वो ना मरे परंतु उसका प्राण ऊपर की ओर देखेगा और स्मरण करेगा कि आप परमेश्वर हैं जो कि चूने के पत्थर के ढेर के नीचे प्रार्थना का उत्तर दे सकता है, वैसे ही जैसे वेल के पेट में या आग की भट्टी में या सिंहों की मांद में. You remain the same. आप एक से रहते हैं. Bring him forth, Lord, a washed Christian. प्रभु, उसे एक धुले हुए मसीह के समान लाएं. We know that all things work together for good to them that love you. And we pray that this will be one of those things as we commit it to you. In Jesus' name, amen. हम जानते हैं कि सारी बातें उनके लिए भलाई उत्पन्न करती हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि ये उनमें से एक बात हो, जैसा कि हम तुझे समर्पित करते हैं यीशु के नाम में. आमीन. In the reading of the word tonight in the book of 2 Kings, I wish to read in the second chapter for just a little text to find a context, God willing. आज रात्रि वचन के पढ़ने के लिए दूसरे राजा की पुस्तक में मैं दूसरा अध्याय पढ़ना चाहता हूँ, एक मूल पाठ के लिए कि एक प्रसंग मिले, प्रभु चाहेगा. And it came to pass that when the Lord would take up Elijah unto heaven by a whirlwind, that Elijah went with Elisha from Gilgal. जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था,
तब एलिया और एलिशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलिशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। And Elijah said unto him, As the Lord liveth and as thy soul liveth, I will not leave thee. एलिशा ने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। So they went down to Bethel. इसलिए वे बेतेल को चले गए। And the sons of the prophets were there at Bethel, came forth to Elisha and said unto him, Knowest thou that the Lord will take away thy master from thy head today? और बेतेल वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलिशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? And he said, Yea, I know it. Hold your peace. उसने कहा, हाँ मुझे भी ये मालूम है, तुम चुप रहो। And Elijah said unto him, Elisha, tarry here, I pray thee, for the Lord has sent me to Jericho. और एलिया ने उससे कहा, हे एलिशा, यहोवा मुझे यरोही को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। And he said, as the Lord liveth and as thy soul liveth, I will not leave thee. So they went to Jericho. उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे यरोही को आए। And the sons of the prophet were there at Jericho, came to Elisha, and said unto him, Knowest thou that the Lord will take away thy master from thy head today? And he answered, Yea, I know it. Hold your peace. और यरोहियो वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलिशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। And Elijah said unto him, Tarry here, I pray thee, for the Lord has sent me to Jordan. फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, सो तू यहीं ठहरा रहे। And he said, As the Lord liveth, as thy soul liveth, I'll not leave thee. उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ कि मैं तुझे नहीं छोड़ने का। And they too went on. सो वे दोनों आगे चले। May the Lord add his blessings to his word. प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। My subject for tonight is God called man. आज रात्रि मेरा विषय परमेश्वर द्वारा बुलाया गया मनुष्य है। And I will try to be just as briefly as can because we've got a great prayer line coming up just in a few minutes. और मैं यत्न करूंगा कि जितना संक्षेप में कर सकूं करूंगा, क्योंकि हमारे पास एक बड़ी प्रार्थना की पंक्ति आ रही है अभी कुछ क्षणों में। But just to give you a little look at the times that we're living. परंतु केवल थोड़ा सा आपको ये दिखाने के लिए कि वे समय जिनमें हम रह रहे हैं। We hear this cry on the radio and in different places, and coming from sincere hearts, Lord, give us revival in our time. हम रेडियो और विभिन्न स्थानों में से ये चिल्लाहट सुन रहे हैं और निष्कपट हृदयों से आ रही है, प्रभु हमारे समय में बेदारी दे। And from letters from Christians around the world, we hear that cry. And it does something to your heart. और समस्त संसार के मसीहों के पत्रों से हम ये चिल्लाहट सुनते हैं और ये आपके हृदय पर कुछ करता है। It's inspiring. It's uplifting. It's quickening to the soul to hear the people of the Lord call for a revival. ये प्रेरणा दे रहा है, ये उठा रहा है, ये प्राणों को जगा रहा है कि लोग प्रभु की आवाज को सुने जो कि बेदारी के लिए है। And God has made a promise, if the people that are called in my name shall assemble themselves together and pray, then I'll hear from heaven. और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, यदि वे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं इकट्ठे होंगे और प्रार्थना करेंगे तो मैं स्वर्ग से सुनूंगा। And so we tonight want to think on that and remember that in the midst of all this cry, God cannot send a revival till he's got man in shape to take it. और इसलिए
हम आज रात्रि इस पर विचार करते हैं और स्मरण करते हैं कि इन सब चिल्लाहटों के बीच परमेश्वर तब तक बेदारी नहीं भेज सकता जब तक वो मनुष्यों को उस रूप में नहीं ले आता कि उसे ले। We cannot have a revival until we get man. God called man. God trained man. हमारे पास तब तक बेदारी नहीं हो सकती जब तक हम वे मनुष्य नहीं पाते, परमेश्वर द्वारा बुलाए हुए मनुष्य, परमेश्वर द्वारा सिखाए हुए मनुष्य। That's not trained up in the schools of theology and of education, but rugged man of faith that God has brought up in the school of his rugged training. जो कि धार्मिक विद्यालय और ज्ञान द्वारा सिखाए हुए नहीं, परंतु विश्वास में दृढ़, जिन्हें कि परमेश्वर ने अपने कठिन प्रशिक्षण के विद्यालय में तैयार किया है। Man who are not afraid to face the fire. मनुष्य जो आग का सामना करने से नहीं डरते। Man who has come in the presence of God and knows his power and knows his omnipotence and knows his healing power. मनुष्य जो परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और उसकी सामर्थ को जानते हैं और उसके सर्वोच्च सामर्थ को जानते हैं और उसकी चंगाई की शक्ति को जानते हैं। Some man that's trained to know the living God. कुछ व्यक्ति जो कि जीवित परमेश्वर को जानने के लिए शिक्षित किए गए हैं। It's all right to train him by the word, but the letter killeth. The Spirit giveth life. वचन के द्वारा उन्हें प्रशिक्षण देना ठीक है, परंतु शब्द मारता है, आत्मा जीवन देता है। And before we can have this revival, God has to call out and train man. और इससे पहले कि हमें ये बेदारी मिल सके, परमेश्वर को प्रशिक्षित मनुष्यों को बुलाना है। God trained man to carry this message. परमेश्वर द्वारा प्रशिक्षित लोग इस संदेश को लेकर चल सकते हैं। And they don't care what the opposition is. वे विरोध क्या है इसकी चिंता नहीं करते। They are willing to go to the fiery furnace in defeat or to the lion's den or wherever it may be. They're ready to go because they've been in the presence of God and know that He is. वे हार में, आग की भट्टी में जाने की इच्छा रखते हैं, या सिंहों की मांद में, या वो जो भी हो, वे जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और जानते हैं कि वो है। Whether it's to victory or defeat, they still stand the same. चाहे ये जीत या हार है, वे अब भी वैसे ही स्थिर हैं। That's the kind of training God does to man. परमेश्वर मनुष्य को इस प्रकार का प्रशिक्षण देता है। And it's very strange to think that God would do that. That God trains his man like that. But he does. और ये सोचना अजीब है कि परमेश्वर ये करेगा। परमेश्वर अपने लोगों को इस प्रकार प्रशिक्षित करेगा इस प्रकार से, परंतु वो करता है। You know, we have an old song we sang. Some through the waters, some through the floods, some through deep trials, but all through the blood. आप जानते हैं, हमारा एक पुराना गीत है जो हम गाते हैं, कुछ पानियों में से होते हुए, कुछ बाढ़ों में से होते हुए, कुछ कठिन परीक्षाओं में से, परंतु सब लहू में से होते हुए। God leads his people through great trials to purge them. And sometimes it takes years to do it. परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई बड़ी परीक्षाओं में से होकर करता है कि वे शुद्ध हों, और कभी कभी इसमें वर्षों लग जाते हैं। And as for myself tonight, I believe that right now God is training such man to meet the front line. आज रात्रि मेरे अपने लिए, मैं विश्वास करता हूँ कि अब भी परमेश्वर ऐसे मनुष्य को प्रशिक्षित कर रहा है कि आगे की पंक्ति में आए। Men who are going through and time shook from their feet. वे मनुष्य जो इसमें से निकलते हैं और उनके कदमों से समय हिल गया। Sometimes look like the whole thing's falling, but yet in the midst of it all, they know that living God and keep their face forward. Keep moving on.
कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ गिर रहा है, परंतु फिर भी इस सब के बीच में वे जानते हैं कि जीवित परमेश्वर और अपने मुख सामने रखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। And many people praying for a revival. I wonder if there sometimes, if those who are praying, if their own prayers don't stop up the wells of blessings. और बहुत सारे लोग बेदारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है यदि वे जो प्रार्थना कर रहे हैं, यदि उनकी अपनी प्रार्थनाएं आशीषों के स्रोतों को न रोक दें। When they're cowardly and afraid to trust God. Afraid to take him at his word. जबकि वे डरपोक और परमेश्वर पर विश्वास करने में डरते हैं और उसे उसके वचन के आधार पर लेने से डरते हैं। Afraid to believe that he still lives today. ये विश्वास करने में डरते हों कि वो आज भी जीवित है। When his Bible plainly says that he is the same yesterday, today and forever. जबकि उनकी बाइबल स्पष्ट रूप से कह रही है कि वो आज कल और सर्वदा एक सा है। God doesn't call very seldom the smart man, the educated, the intellectual. परमेश्वर अति माननीय, तेज, शिक्षित और बुद्धिमान को नहीं बुलाता। They play their part, and they're great men. But usually, when God wants the job done, He gets somebody who hardly knows His ABCs. वे अपना कार्य करते हैं, और वे महान मनुष्य हैं। परंतु जब परमेश्वर कोई कार्य करना चाहता है, तो वो ऐसे को लेता है जो कहे गए भी मुश्किल से जानता हो। Search the scriptures, look through the histories. वचन में ढूंढें, इतिहास में देखें। Man that manages something with God were not man who had great educations, but man who had no education, only a desire in their heart to serve God. मनुष्य जो परमेश्वर के साथ कुछ रखते थे, वे पढ़े लिखे मनुष्य नहीं थे जिनके पास बहुत शिक्षा हो, परंतु वे लोग जिनके पास शिक्षा नहीं थी, केवल उनके हृदय में परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा थी। He got the plowman, the shepherd, the fisherman, the hunter, those who lived in nature. उसने हल जोतने वाले, गड़रिये, मछली पकड़ने वाले, शिकारी जो प्रकृति में रहते थे, उन्हें लिया। In that stillness and quietness of nature, प्रकृति की उस शांति और निश्चलता में, there God could speak to them. And that's who he called. वहां परमेश्वर उनसे बात कर सकता था और उसने उन्हें बुलाया। And if they find that when he gives a call to a great intellectual, that person finally goes back to his intellectual conceptions. और यदि वे ये पाते हैं कि उसने महान बुद्धिमान को बुलाया, तो अंत में वो व्यक्ति उसी बुद्धि की धारणाओं में वापस चला गया। After a while, when it comes to working the phenomenal, he's too mixed up with the peoples of the world to accept such. और उसके पश्चात जब विशेष कार्य का समय आता है, तो वो संसार के लोगों के साथ मिल गया कि उसे स्वीकार कर लें। Therefore, he finally results to a denomination and goes on off and makes a minister. इसलिए परिणाम में नामधारी में बदल गया और हट गया और सेवक बनाए। And that's all right. और ये ठीक है। And I have nothing against that person that would do that. और जो ऐसा करेगा, मैं उसके विरोध में कुछ नहीं कहता। But when God gets ready to do something in the supernatural realms, He usually gets a man that he can put his trust in and anoints him and sends him out and he's fearless at the job. परमेश्वर जब कुछ करने के लिए तैयार होता है उस अलौकिक क्षेत्र में, तो वो ऐसा व्यक्ति लेता है जिस पर वो विश्वास कर सके और उसे अभिषेक करके भेजता है और वो कार्य में निर्भय होता है। That's the kind of man we need today. Not polished scholars. But man who know God in the power of his resurrection. आज हमें इसी प्रकार के मनुष्य की आवश्यकता है, दिखावटी विद्वान की नहीं, परंतु वो मनुष्य जो परमेश्वर को उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य में जानता हो। For instance, there was a man in the Bible by the name of Moses who had got all of his training. उदाहरण के लिए बाइबल में एक मनुष्य था, मूसा नाम का, जिसने सब प्रकार के प्रशिक्षण लिए थे।
He knew all of the theology. वो सारी धार्मिक विद्या जानता था. He knew everything that he should know. जो जानना चाहिए वो सब जानता था. If he didn't need any education, he could teach the masters in Israel or in Egypt. यहाँ तक कि यदि उसे किसी शिक्षा की आवश्यकता थी तो वो इसराइल और मिस्र में किसी गुरु को पढ़ा सकता था. He didn't need one thing. उसे कोई आवश्यकता नहीं थी. And the Bible tells us that he was learned in all the wisdom of the Egyptians. और बाइबल हमें बताती है उसके पास मिस्रियों की सारी विद्या थी. Well, he could teach their scholars. क्यों नहीं वो उनके विद्वानों को पढ़ा सकता था. He could teach their scientists things. वो उनके वैज्ञानिकों को पढ़ा सकता था. He was keyed to the very point when it come to intellectual. But yet it taken God 40 years to beat all that out of him out there in the sands. जब बुद्धिमानी की बात आती थी तो वो हर उसका उत्तर था तो भी परमेश्वर ने उसकी सारी शिक्षा को बाहर निकालने में 40 वर्ष लगाए बाहर रेगिस्तान में. And when he got all of his intellectual conceptions of God beat out of him out there in the sands, the metal was ready to be molded over. और जब परमेश्वर के प्रति हर बुद्धिमानी की धारणा उसमें से बाहर निकल गई उस रेगिस्तान में तब धातु ढलने के लिए तैयार थी. That's the way God takes his man and beats out all of their fears and all of their intellectuals, and then the great master potter puts them on the wheel and begins to mold them over again. इस प्रकार से परमेश्वर अपने व्यक्तियों को लेता है और उनके समस्त भय और उनके सारे ज्ञान को बाहर निकाल देता है और तब महान स्वामी कुम्हार उन्हें चाक पर रखकर उन्हें फिर से ढालने लगता है. Workman worthy. It's God's man. Who could train a man more than God himself? योग्य कार्यकर्ता ये परमेश्वर का मनुष्य है. स्वयं परमेश्वर से उन्हें और अधिक कौन प्रशिक्षित कर सकता है. Watch the way he trains them. जिस प्रकार से वो उन्हें प्रशिक्षित करता है देखिए. We would think again of another by the name of David. हम फिर से दूसरे के विषय में सोचेंगे दाऊद नाम के द्वारा होकर. God was training David when he's just a little boy. परमेश्वर दाऊद को प्रशिक्षित कर रहा था जब वो छोटा लड़का ही था. The prophet Samuel came up and poured oil on his head and anointed him because God was going to train David. सैमुएल भविष्यद्वक्ता ने आकर उसके सिर पर तेल उंडेला और उसका अभिषेक किया क्योंकि परमेश्वर दाऊद को प्रशिक्षित करने जा रहा था कि एक महान योद्धा हो. And look at the training he gave him. और जो प्रशिक्षण उसने दिया उसे देखिए. I was reading some time ago up here at Green's Mill where I usually go to pray. मैं ग्रीन मिल पर कुछ समय पहले कुछ पढ़ रहा था जहां अक्सर मैं प्रार्थना करने जाता हूं. Where God said to David, I took you from the sheep coat, from following those few sheep of your fathers out there, and I made you a great name like great man of the earth. जहां परमेश्वर ने दाऊद से कहा मैंने तुझे भेड़ बकरियों की चरवाही से बुलाया तेरे पिता की भेड़ों के पीछे से और मैंने तुझे पृथ्वी के लोगों के समान महान नाम दिया. And I think of the rugged training he did to David. और मैं दाऊद के कठिन प्रशिक्षण के विषय में सोचता हूँ. Never so much as school him in some school, but he schooled him in his own school. उसने उसे कभी भी किसी विद्यालय में नहीं भेजा परंतु उसने उसे अपने ही विद्यालय में शिक्षित किया. David was a hunter and a shepherd, and in the Psalms he wrote of green pastures and still waters. दाऊद शिकारी और चरवाहा था और भजनों में उसने हरी हरी चराइयों और सोतों के विषय में लिखा है. Because there he was alone by himself. He wasn't contaminated with the things of the world. क्योंकि वहाँ वो अकेला होता था वो संसार की वस्तुओं से दूषित नहीं हुआ था. God has to get a man away from the things of the world so he can get in quiet, so he can listen to God. That still small voice. परमेश्वर व्यक्ति को संसार की चीजों से अलग करता है ताकि वो उसे शांत कर सके ताकि वो परमेश्वर को सुन सके. वो अब भी धीमा छोटा शब्द होता है. Then once in contact with God, he becomes fearless then.
तब एक बार परमेश्वर के संपर्क में वो भयमुक्त हो जाता है. Notice that he don't care what anyone says. He's been in the presence of God. तब वो चिंता नहीं करता कौन क्या कहता है. वो परमेश्वर की उपस्थिति में था. He knows God in the power of his resurrection. वो परमेश्वर को उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य में जानता है. And then David, we see him one day God permitted a bear to come in and get one of his sheep. और तब दाऊद हम उसे देखते हैं एक दिन परमेश्वर ने एक भालू को अंदर आकर उसकी भेड़ को ले जाने दिया. David just took after that bear. दाऊद ने बस उस भालू को जा लिया. No doubt but what he prayed because a little later on he confessed to it. कोई संदेह नहीं परंतु जो उसने प्रार्थना की क्योंकि थोड़े समय पश्चात उसने इसको स्वीकार किया. And he prayed and asked God. और उसने प्रार्थना करके परमेश्वर से कहा. He was caretaker over that sheep. He cannot lose that sheep. And he must save that sheep at all price. वो भेड़ों का रखवाला था. वो उस भेड़ को छोड़ ना सका और उसे हर कीमत पर उस भेड़ को बचाना था. And he grabbed his little slingshot and took after that bear and killed him. और उसने अपनी छोटी गोफन ली और जाकर भालू को ले लिया और उसे मार डाला. He must save that sheep. उसे उस भेड़ को बचाना था. See what God was training him for? आपने देखा परमेश्वर उसे किस लिए प्रशिक्षित कर रहा था. God wants his shepherds to save the sheep regardless what he has to be called and what he has to go through. Save them sheep. परमेश्वर अपने चरवाहे से चाहता है कि वो भेड़ को बचाए चाहे उसे जो भी पुकारा जाए और उन भेड़ों को बचाने के लिए किसी भी स्थिति में से निकलना पड़े. Then he seen that David was gallant over this bear, so he just raised the power of the animal a little greater. And he sent a lion in and took one of the lambs. And a lion is a fierce animal. तब उसने देखा कि दाऊद ने इस भालू के ऊपर बहादुर से कब्जा कर लिया तो उसने पशु की सामर्थ को थोड़ा सा और बढ़ाया और उसने एक सिंह भेजा और उसका मेमना ले गया और सिंह भयंकर पशु है. Oh, in Africa, when I was hunting them, a lion can kill 10 men before you can say Jack Robinson. Oh, अफ्रीका में जब मैं उनका शिकार खेल रहा था एक सिंह इससे पहले कि आप जैक रॉबिन्सन कहें 10 व्यक्तियों को मार सकता है. ओ पावरफुल ग्रेट बीस्ट. ओ सामर्थी बड़ा पशु. दिस इज अ बिग रोअर एंड दिस मैन आर कंज्यूम्ड. केवल एक बड़ी दहाड़ से मनुष्य नष्ट हो जाते हैं. एंड द वन हु डाइज अंडर द पावर ऑफ अ लायन नेवर फील्स एनी हर्ट. और वो जिसे सिंह मारता है कभी भी कष्ट का अनुभव नहीं करता. इट्स सच अ स्केयर्ड हियर दैट रोअर एज ही गिव्स. उसका दहाड़ना जब वो दहाड़ता है डरावना होता है. Those great mammoth feet, just in a second he's tore down a dozen men. वे विशाल काय पंजे एक सेकंड में दर्जन भर मनुष्यों को फाड़ देते हैं. And to think of a little boy. The Bible said he was ruddy. That means he was just a little bitty fella. और एक छोटे लड़के के विषय में सोच कर की बाइबल बताती है वो छोटा ही था. इसका अर्थ हुआ छोटा लड़का ही था. With a little slingshot. You know what it is, a little piece of leather with a string on each side. एक छोटी सी गोफन के साथ. आप जानते हैं वो क्या है. एक छोटा सा चमड़े का टुकड़ा जिसके दोनों ओर रस्सियां होती हैं. And a hungry lion with already the taste of blood in his mouth running and grabbed this sheep. और भूखा सिंह जो पहले ही लहू का स्वाद ले चुका है अंदर आकर उसकी भेड़ पकड़ लेता है. David looked up to God and said, I can't lose that one. You help me, Lord. दाऊद ने परमेश्वर की ओर देखा और कहा मैं इसे नहीं छोड़ सकता प्रभु आप मेरी सहायता करें. And he knocked the lion down with the slingshot. और उसने गोफन से सिंह को नीचे गिरा दिया. And when the lion rose up against him, that little boy in the lion weighed about 500 pounds or better. That little boy weighed maybe 70 or 80. और जब सिंह उसके विरुद्ध फिर उठा वो छोटा लड़का और सिंह जो कि लगभग 500 पाउंड या अधिक वो छोटा लड़का संभवतः 70 या 80 पाउंड का. He pulled from his little belt the knife and when the lion raised up which had killed 10 men in a couple of slaps he grabbed
grabbed the lion by the beard and killed him. उसने अपने छोटे बेल्ट में से चाकू निकाला और जब सिंह उठा, जो कि एक दो थप्पड़ में 10 व्यक्तियों को मार सकता था, उसने सिंह की दाढ़ी को पकड़ा और उसे मार डाला. Courage. God don't want cowards. साहस. परमेश्वर डरपोकों को पसंद नहीं करता. He can't use you if you're afraid to take his word and believe him. वो आपका प्रयोग नहीं कर सकता यदि आप उसके वचन पर विश्वास करके उसे लेने में डरते हैं. He wants gallant man. Won't pay no attention to nothing but what the Lord says. वो बहादुर मनुष्यों को चाहता है जो किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देगा परंतु वो जो प्रभु कहता है. That's the kind he has to move with. इस प्रकार के व्यक्ति के साथ वो चलता है. Regardless of what the church says, what the pastor says, what the church stands for, he stands for God and righteousness in his word. चिंता नहीं कलीसिया क्या कहती है, पास्टर क्या कहता है. कलीसिया किसका पक्ष लेती है? वो परमेश्वर का पक्ष लेता है, धार्मिकता और उसका वचन. That's the man we God will send these days for his revival that his people are praying for. यही मनुष्य हम परमेश्वर इन दिनों में अपनी बेदारी के लिए भेजेगा जिसके लिए उसके लोग प्रार्थना कर रहे हैं. Later in years, when he went up to meet his brothers at the battle, there was a big old giant up there, 14-inch fingers. बाद के वर्षों में जब वो अपने भाइयों से युद्ध में मिलने गया, वहाँ एक बड़ा भयानक 14 इंच की उंगलियों वाला था. And he bragged and he said, "Now let somebody come fight me. If you can whip me, I'll surrender. And vice versa, and we'll serve." वो शेखी मारता और कहता, अब कोई आकर मुझसे लड़े, यदि तुम मुझे कोड़ा मार लो, मैं समर्पण कर दूंगा, और इसका उल्टा, और हम तुम्हारी सेवा करेंगे. Whoever who surrenders, of course, will be the one who loses. या जो भी समर्पण करेगा, ये सही है, जो भी हारेगा. That's the way the devil likes to do it. इसी प्रकार से शैतान करना चाहता है. When he thinks he's got the edge on you, he'll tell you, "You can't get by with that." जब वो सोचता है कि आपके ऊपर धार रखी है, तो वो आपसे कहेगा, तुम इससे बच नहीं सकते. You can't preach divine healing in the Methodist Church, Baptist Church. आप मेथोडिस्ट कलीसिया में, बैप्टिस्ट कलीसिया में दिव्य चंगाई प्रचार नहीं कर सकते. Well, you Methodist preachers just get a hold of God one time and find out whether you can or not. एक समय मेथोडिस्ट प्रचारकों ने परमेश्वर को पकड़ रखा था और देखिए कि यदि आप कर सकते हैं या नहीं. You'll never do it with your theology that they teach. Oh, आप अपने धार्मिक ज्ञान से जो वो सिखाते हैं ये कभी नहीं कर सकते. You'll have to get a hold of God and know that he is. आपको परमेश्वर को पकड़ना पड़ेगा और जाने कि वो है. They say the Pentecostal people. A few years ago, there was a bunch of people standing on the corner, not even a building they could get into. वे कहते हैं Pentecostal लोग कुछ वर्षों पहले लोगों का एक झुंड कोने पर खड़ा हुआ करता था. वे किसी भवन में भी नहीं जा सकते थे. But did you read Life magazine the other day? What they said about them? परंतु क्या आपने Life पत्रिका पढ़ी उस दिन? उन्होंने उनके विषय में क्या कहा? It's one of the greatest phenomenons this age has ever known. It's a rising of the Pentecostal church. इस युग की सबसे बड़ी घटना जो कि जानी गई है, वो पेंटिकोस्टल कलीसिया का उठना है. Certainly. And they produce more converts in one year than all the rest of churches do put together. निश्चय ही, और इन्होंने और कलीसियाओं की अपेक्षा सबसे अधिक मत परिवर्तन किया है. That's what Life magazine said. लाइफ पत्रिका ने ये कहा है. Why? क्यों? They may be mixed up in some things, but brother, they're gallant. हो सकता है वो किसी और चीज में घुल मिल गए हैं, परंतु भाई वे बहादुर हैं. Stand out there toe to toe and call black black and white white. आमने सामने खड़े होकर काले को काला और सफेद को सफेद कहते हैं. When the revival finally breaks, it'll break among them. You watch and see if it doesn't. अंत में जब बेदारी आई, वो उनके बीच में आई. आप देखिए, आई कि नहीं. Get straightened out one of these days. वे इन्हीं किन्हीं दिनों में सीधे होने वाले हैं. And David, when Saul put his armor on him and said, "David, if you're going to fight this giant," said, "Well, you're nothing but a boy, just a youth, and he's been a warrior from his youth." और दाऊद जब शाऊल ने अपने शस्त्र उस पर चढ़ाए और कहा, दाऊद यदि तू इस दानव से लड़ने जा रहा है, क्यों? तू कुछ नहीं, केवल एक लड़का है. बस एक लड़का
और वो बालकपन से ही योद्धा है। How can you fight him? तू कैसे उससे लड़ सकता है? Listen to this little David. इस छोटे दाऊद की सुनिए। You see, he did not say it like this. आपने देखा, उसने इस प्रकार से नहीं कहा। Saul, your honor, sir. My father sent me to the grammar school, college, high school. I have a PhD. I am equipped to do this. I'm a smart man. शाउल, महाराजा धीराज, मेरे पिता ने मुझे व्याकरण विद्यालय, कॉलेज, हाई स्कूल में भेजा। मेरे पास पीएचडी, मैं इसे करने हेतु सुसज्जित हूँ, मैं तेज हूँ। He never said it like that. उसने ऐसा कभी नहीं कहा। He said, my lord, he said when I was herding my father's sheep out yonder, a bear come in and got one and I killed him. उसने कहा, मेरे प्रभु, उसने कहा, जब मैं अपने पिता की भेड़ चराया करता था, एक भालू आ गया और एक को पकड़ लिया और मैंने उसे मार डाला। सिंह अंदर आया, एक को पकड़ लिया और मैंने उसे मार गिराया और जब वो उठा तो मैंने उसे घात कर दिया। And he said, the God that delivered me from the paws of the bear and the lion can also deliver me out of that hands of that uncircumcised Philistine. और उसने कहा, वो परमेश्वर जिसने मुझे भालू और सिंह के पंजे से बचाया, वो ही मुझे इस खतना रहित फिलिस्तीनी से बचाएगा। A God-trained man. परमेश्वर द्वारा प्रशिक्षित मनुष्य। There stood Saul with all the training that any man could have to know how to fight. वहाँ शाउल उन प्रशिक्षणों के साथ जो कोई मनुष्य पा सकता है कि कैसे लड़े, वहाँ खड़ा हुआ था। David didn't know nothing about a sword. दाऊद को तलवार के विषय में कुछ नहीं मालूम था। He didn't know nothing about a shield. उसे ढाल के विषय में कुछ नहीं मालूम था। Well, Saul went and put his great big armor on him, and little David was standing bow-legged almost. ठीक है, शाउल गया और अपने सारे बड़े बड़े शस्त्र उस पर लगा दिए और छोटा दाऊद भारी पैरों के साथ वहाँ खड़ा था। He found out that his ecclesiastical vest didn't fit a man of God. उन्होंने देखा कि उसकी पुरोहित संबंधित कमर इस परमेश्वर के जन पर ठीक नहीं बैठती, उसे नीचे की ओर झुका दिया। और हमारे सारे मत और चीजें कभी भी परमेश्वर के सुसज्जित से मेल नहीं खाएंगी। Oh, how we could go on and on and say many of many different ones. But straight to our text, the hurry. ओ, कैसे और आगे आगे बढ़ते हुए और बहुत से विभिन्न लोगों के विषय में व्याख्यान करेंगे, परंतु सीधे अपने प्रसंग पे आएंगे, जल्दी करेंगे। Elijah was getting old, and he knew it wouldn't be long until he'd have to leave the world. एलिया बूढ़ा हो रहा था कि वो अब अधिक समय तक वो नहीं रहेगा, उसे संसार छोड़ना है। And God had found a man. That was an honest man. That was a good man. His name was Elisha. और परमेश्वर ने एक व्यक्ति ढूंढ लिया जो कि ईमानदार है, वो अच्छा व्यक्ति था, उसका नाम एलिशा था। Now if you notice, one of them's name is Elijah and the other is Elisha. अब यदि आप ध्यान दें, उनमें से एक का नाम एलिया और दूसरे का एलिशा था। Now he never went down into the farms and so forth and went and found in the schools of theology and up in the great high schools of those days. वो कभी भी खेतों में नहीं गया था और आदि आदि और जाकर धार्मिक विद्यालय में पाया और उन दिनों के महान विद्यालय में। What did he do? उसने क्या किया? He went out into the field and found a man plowing with 12 yoke of ox. वो वहाँ खेतों में गया और एक व्यक्ति को पाया, वो 12वीं बैल की जोड़ी के साथ जुताई कर रहा था। What? Elisha, the one was plowing, knowed how to appreciate a straight row. क्या एलिशा जो हल चला रहा था जानता था कि कैसे सीधी रेखा की सराहना की जाए? And he knowed if he turned to the back, he'd wiggle off the road. और वो जान जाता यदि वो मुड़कर पीछे देखता कि वो मार्ग पर टेढ़ा मेढ़ा है। And God knowed that a man that knowed how to plow straight fair knowed not to put his hands on the plow and even turn to look back. और परमेश्वर जान गया कि व्यक्ति जो जानता है कि कैसे सीधे सीधे जुताई करें, ये नहीं जानता कि हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर भी देखना है। He never waited till he got his education, wiggled along the road. जब तक उसने अपनी शिक्षा न पाली, उसने प्रतीक्षा नहीं की
मार्ग पर इधर उधर चलता रहा। He just killed the oxen, made a sacrifice and took off with Elijah as soon as that man went over him. उसने बस बैलों को मारकर और बलिदान कर दिया और छोड़कर एलिया के पीछे हो लिया जब तक वो कपड़ा उसके ऊपर था। He was ready, willing. वो तैयार इच्छा रखने वाला था। God knows he can make him able. परमेश्वर जानता था कि वो उसे योग्य बना सकता है। Now God's got to give him some training. अब परमेश्वर ने उसे प्रशिक्षण देना था। He's been training how to keep his eyes on the furrow with 12 yoke of ox and one man plowing with him. उसने उसे प्रशिक्षित किया था कि कैसे जुती हुई नाली पर अपनी दृष्टि रखनी है, बैलों की 12 जोड़ी और एक व्यक्ति उन्हें जोत रहा है। He taught him some patience. How to be patient and train those ox to walk straight in the line. उसने उसे धीरज धरना सिखाया और कैसे धीरजवंत हो और उन बैलों को सीधी लाइन में चलने के लिए प्रशिक्षित करना था। He had trained some men afterwards. इसके पश्चात उसे कुछ लोगों को प्रशिक्षित करना है। Keep them on the Bible, on the word, lined up with God. Stay straight in the line. उन्हें बाइबल पर ही रखना है, वचन पर, परमेश्वर की रेखा पर, रेखा पर स्थिर रहना। And then even God had to school him a little bit. और तब परमेश्वर को भी उसे थोड़ा शिक्षित करना है। He said, "Now you tarry here, for I'm going over to Gilgal. The Lord has called me." उसने कहा, अब तुम यहाँ रुको, क्योंकि मैं गिलगाल तक जाता हूँ, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। And the prophet, after he had felt that power upon him, that robe of Elijah, He said, "As the Lord liveth and your soul liveth, I'll not leave you." और भविष्यद्वक्ता उसके बाद जब उसने अनुभव किया कि सामर्थ्य उस पर है, वो एलिया की चादर, उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। Went on to Gilgal, which is the place of Christian confession and baptism. गिलगाल को गया, जो कि मसीह को स्वीकारने और बपतिस्मे का स्थान है। And then he said, "Just stay here now. This is good enough." और तब उसने कहा, अब थोड़ा यहाँ रुक, ये पर्याप्त है। You made confession and baptism, this is good enough. तूने स्वीकार कर लिया और बपतिस्मा ले लिया है, ये पर्याप्त है। I'm going up to Bethel, which means the house of God. मैं बेतल को जा रहा हूँ, जिसका अर्थ है परमेश्वर का घर। Now that would be all right for many professors. अब ये बहुत से ज्ञानियों के लिए ठीक होगा। Well, I've just come into the church and got fellowship. Why not just stay right here? Oh, मैं अभी अभी कलीसिया में आया हूँ और संगति मिली है, क्यों ना यहाँ रुक जाऊँ? But listen, Elisha couldn't think that way. परंतु सुनिए, इलीशा इस प्रकार नहीं सोचता। He'd already felt the power of God. उसने पहले ही परमेश्वर की सामर्थ को अनुभव कर लिया है। He knew there was more for him. वो जानता है मेरे लिए और भी है। So he said, "As the Lord liveth and your soul liveth, I'll not leave you." और इसलिए उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। Oh, how I like that. Oh, मुझे ये कितना अच्छा लगता है। And he went up to the Bethel, to the house of God. And there he found a bunch of scholars. और वो बेतेल को गया, परमेश्वर का घर, और वहाँ उसे ज्ञानी लोग मिले। They were all well-trained preachers. And they walked around and told him, said, "Sir, do you know what? You're on the little end of the stick." वे सब प्रशिक्षित अच्छे प्रचारक थे और वे आए और उसे बताया, कहा, श्रीमान, तुझे मालूम है कि तू छड़ी के छोर पर है। Did you know Elisha's going to be taken away from you? He's too old. He can't live very long. क्या तुझे मालूम है एलिया तेरे से अलग किया जाने वाला है? वो बहुत बूढ़ा है, वो अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सकता। Elijah's going to be taken and you're going to be standing out there as a fanatic. एलिया ले लिया जाने वाला है और तू वहाँ पागलों के समान खड़ा होगा। Let me tell you something now. अब मैं आपको कुछ बता दूं। A man that's ever tasted God will not be willing or cannot quench his thirst at a man-made cistern. एक मनुष्य जिसने परमेश्वर का स्वाद चख लिया है, नहीं चाहेगा अपनी प्यास को मनुष्य के बने हौद से नहीं मिटा सकता। वो ये नहीं कर सकता। All their theology that they had there at the school of the prophets would not quench the thirst of that man of God who had a taste of God. उनकी सारी धार्मिक विद्या जो उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं के विद्यालय में पाई है,
वो परमेश्वर के जन की प्यास को नहीं बुझा सकती जिसने परमेश्वर का स्वाद चख लिया है। And they kept persuading him. और वे उसे राजी करते रहे। Oh, you should stay here and... Why, in six weeks we could give you your PhD. Oh, तुम्हें यहाँ रह जाना चाहिए। और क्यों? हम तुम्हें 6 सप्ताह में तुम्हारी PhD दे देंगे। And you know it wouldn't be very long till you take about 4 years of training here, and we could give you the right to preach. और तुम देखो, ये बहुत लंबा ना होगा कि तुम अपने 4 वर्षों का प्रशिक्षण प्राप्त कर लोगे और हम तुम्हें प्रचार करने का अधिकार देंगे। You know, if you proved out to be all right, we'd send you out in our denomination. देखो, यदि तुम सही सिद्ध हुए तो हम तुम्हें अपने नामधारी में भेज देंगे। That won't satisfy a man of God. परमेश्वर के जन को ये संतुष्ट नहीं कर सकेगा। We'll train you to be a minister. If you just stay with us about 4 or 5 years, you're... हम तुम्हें सेवकाई के लिए प्रशिक्षित करेंगे यदि तुम हमारे साथ यहाँ 4-5 वर्ष रुको। He didn't have time for that kind of stuff. He was on his way to that fountain. उसके पास ऐसी चीजों के लिए समय नहीं था, वो तो मार्ग पर उस सोते के लिए बड़ा जा रहा था। He didn't come above that. वो इस सब को छोड़कर ऊपर आ चुका था। He done had a taste of heaven in his soul. वो कर चुका था, उसके प्राण में स्वर्ग का स्वाद था। And he said, "Do you know your head's going to be taken away?" और उसने कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा नेतृत्व उठा लिए जाने वाला है? And listen to what he said. और सुनिए कि उसने क्या कहा। Yes, I know it, but hold your peace. जी हाँ, मैं ये जानता हूँ, परंतु आप शांत रहें। In other words, save your breath. Don't try to tell me about it. दूसरे शब्दों में तुम अपना ध्यान करो, मुझे इस विषय में बताने का यत्न ना करो। Don't try to tell me what I'm doing. I know where I'm going and what I'm after. मुझे बताने का यत्न ना करो कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं किसके पीछे हूँ। God give us man like that, God trained man, who knows not to wiggle off on this and wiggle off on that. परमेश्वर हमें ऐसे व्यक्ति दे जो परमेश्वर के प्रशिक्षित मनुष्य, जो कभी इधर उधर ना होना जानता हो। I know where I'm going and don't speak to me about it. Just hold your breath. मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मुझसे इस विषय में बात ना कीजिए, आप थोड़ा धैर्य रखें। Don't try to discourage me because it isn't going to do any good. मुझे निराश ना करें क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं। Oh, if the people prayed for would just have that much courage. Oh, यदि वे लोग जिनके लिए प्रार्थना की गई है उनके पास भी इतनी हिम्मत होती। Oh, the days of miracles is past. That wasn't real. You watch, you'll get sick again. Oh, आश्चर्यकर्म के दिन बीत गए, ये वास्तविक नहीं था, आप देखिए आप फिर बीमार हो जाएंगे। Just hold your breath. Don't tell me nothing about it. I'm moving on. केवल धैर्य रखें, मुझे इस विषय में कुछ ना बताएं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। The revival's coming. God's promised it. बेदारी आ रही है, परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा कर दी है। Oh, you sons of God, move out in the spirit under. Fearless. Oh, तुम परमेश्वर के पुत्रो, उस क्षेत्र में से निडर होकर के निकल चलो, निडर। Take God at His word. परमेश्वर को उसके वचन के आधार पर लीजिए। I know he's going to be taken away. But that isn't what I'm. You haven't got nothing here to interest me. मैं जानता हूँ कि वो उठा लिए जाना वाला है, परंतु ये वो नहीं है जिसके लिए मैं, तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसमें मेरी रुचि हो। All your degrees and PhDs and Bachelor of Art and all this stuff doesn't satisfy me. Just hold your breath. तुम्हारी सारी डिग्रियाँ, PhD और कला स्नातक और ये सारी चीजें मुझे संतुष्ट नहीं करती हैं। केवल आप थोड़ा धैर्य रखें। Well, you're going to crack up out there. अच्छा, अब तो तुम टूट कर छिन्न भिन्न होने जा रहे हो। Well, if I crack up, let me crack up. I'm on my road. On he was going. ठीक है, यदि मैं टूट कर बिखर जाता हूँ तो मुझे टूटने दो, मैं अपने निशाने पर हूँ जिस पर कि वो जा रहा था। You can't make it go over. आप इस पर काबू नहीं पा सकते। I know I can't make it go over, but God's going to take me over, he said. मैं जानता हूँ कि मैं इस पर काबू नहीं पा सकता, परंतु परमेश्वर मुझे इससे पार कराएगा, उसने कहा। Well, Elisha is going to Jordan. ठीक है, एलिशा यर्दन को जा रहा है। I'm going with him. मैं उसके साथ जा रहा हूँ। God requires Jordan in every life. परमेश्वर हरेक के जीवन में यर्दन चाहता है। So Elisha come around and said, "Now, Elisha." Elijah said to Elisha, "You're just a young man, perhaps something like this."
And really you haven't had any schooling. इसलिए इलीशा आता है, कहा अब इलीशा, एलिया ने इलीशा से कहा तुम अभी नवयुवक हो संभवतः इस प्रकार से, और वास्तव में तुमने कभी शिक्षा नहीं पाई। बूढ़ा भविष्यद्वक्ता उसकी परीक्षा लेने का यत्न कर रहा था। उसने कहा तुम अभी एक नवयुवक हो, तुमने अधिक शिक्षा नहीं पाई है। क्यों नहीं तुम, ये वास्तव में तुम्हारे पास व्याकरण विद्यालय की शिक्षा नहीं है। केवल तुम इतना जानते हो कि जुताई कैसी की जाए। इसलिए अच्छा है कि तुम यहीं ठहरो और तुम्हें कला स्नातक की डिग्री मिल जाए। देखा, you better stay and get your degree. अच्छा है कि तुम यहाँ रुको और अपनी डिग्री ले लो। Not Elisha, not that man who once touched God, felt that power of the anointing upon him. परंतु इलीशा वो व्यक्ति नहीं था जिसने एक बार परमेश्वर को छुआ हो और अपने ऊपर अभिषेक की सामर्थ को अनुभव किया हो। He said, "As the Lord lives and your soul never dies, I'll not leave you." उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। He had a purpose. He saw the vision. He knew what was going to take place. उसका एक उद्देश्य था, उसने दर्शन देखा, वो जानता था कि क्या घटित होने वाला है। And they both went down to Jordan. और वे दोनों यर्दन पर चले गए। Jordan means death. यर्दन का अर्थ मृत्यु है। There they stand, the old man and the young man. It really represents Christ and his church. वहाँ वे खड़े होते हैं, एक बूढ़ा और एक युवक, ये वास्तव में मसीह और उसकी कलीसिया को दर्शाता है। And there they stood by the Jordan. और वहाँ वे यर्दन नदी के किनारे खड़े हैं। There she is coming down out of the Judean hills. The great ripples are roaring like that. वहाँ वो यहूदा की पहाड़ियों पर से आती है चीरती हुई, बड़ा कोलाहल करती हुई इस प्रकार से। And Elisha with his gray hair hanging down his back, his dimmed old eyes looking across Jordan, and the young man watching every move that he made. और इलीशा अपने पीछे सफेद लटकते बालों के साथ और उसकी धुंधली आंखें यर्दन के पार देख रही हैं, और ये नवयुवक उसके हर कार्य को ध्यानपूर्वक देख रहा है जो वो कर रहा है। एक नवयुवक दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे। The other was going home. There's both at Jordan. दूसरा घर जाने को था, वे दोनों यर्दन पर थे। Elisha to him is going home. एलीशा उसके लिए वो घर जा रहा है। Elisha had a bitter life. एलिया का जीवन कड़वाहट से भरा था। That woman preacher down there gave him a rough way to go. Jezebel and Ahab. वहाँ उस महिला प्रचारक ने जीवन में उसे तंग किया था, इजाबेल और आहाब। And the stones and all that he had went through, Elisha was getting tired. और वे पत्थर और वे सब जिसमें से होकर वो निकलता था, एलिया थक गया था। And he knew that he had fought a good fight and he had finished the course. और वो जानता था कि उसने एक अच्छी लड़ाई लड़ी और अपनी दौड़ को पूरा किया। Just across Jordan his retirement laid. यर्दन के पार उसका अवकाश ग्रहण करना था। But Elisha was watching for that spirit was on him. परंतु इलीशा उस आत्मा को देख रहा था जो उस पर थी। So if you notice, every believer, when you come to a place where you have to set up, you feel the cold waves of Jordan laughing at your feet. इसलिए यदि आप ध्यान दें कि प्रत्येक विश्वासी जब आप ऐसे स्थान पर आते हैं जहां आपको अनुकरण करना है, तब आप यर्दन की ठंडी लहरों को अपने पैरों पर चढ़ते हुए अनुभव करेंगे। Are you going across or are you not? क्या आप पार जा रहे हैं या आप नहीं जा रहे हैं? Jordan is separation. Separating. यर्दन एक अलगाव अलग करती है। And standing back on the hill was these preachers yet hollering to Elisha, "You better not go over. You're going to go overboard." और वहाँ पीछे पहाड़ियों पर वे प्रचारक थे, अभी भी इलीशा को पुकार रहे थे, अच्छा है कि तुम पार ना जाओ, तुम अधिक दूर निकल जाओगे। You hear them in remarks yet today. वे आज भी यही टिप्पणी करते हैं। Well, Elisha said, if God is God, and that's his prophet, I've got to take his place. And I need his spirit to do it with. परंतु इलीशा ने कहा, यदि परमेश्वर परमेश्वर है
और ये उसका भविष्य रखता है और मुझे उसका स्थान लेना है और कार्य करने के लिए मुझे उसकी आत्मा की आवश्यकता है। I don't need their school. मुझे उनके विद्यालय नहीं चाहिए। If their school would have done it, they'd be taking his place. यदि उनके विद्यालयों ने ये किया होता तो उन्होंने उसका स्थान ले लिया होता। But God called me to do it, and I need his spirit. परंतु परमेश्वर ने ये करने के लिए मुझे बुलाया है और मुझे उसके आत्मा की आवश्यकता है। If the schools or the churches would have took the place and the power that Jesus offered, it would took it years ago. Methodist, Baptist, Catholic, Presbyterian, but it will never do it. यदि कलीसियाओं के विद्यालयों ने स्थान ले लिया होता और सामर्थ जो यीशु ने प्रदान की थी तो वे इसे वर्षों पहले ले चुके होते, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, कैथोलिक, प्रेस्बिटेरियन, परंतु ये कभी नहीं करेगा। It's the spirit of Jesus Christ in you who crossed Jordan of every denomination behind and everything else and stand alone with God. यीशु मसीह का आत्मा लो और आप इसके पीछे सारे नामधारियों की यर्दन को पार कर जाएंगे, हर चीज और परमेश्वर के संग अकेले खड़े होते हैं। So he stood with him at Jordan. इसलिए वो उसके साथ यर्दन पर खड़ा हुआ। Elisha looking up there, knowing somewhere across there, God would meet him. एलिया उधर देख रहा था, वहाँ कहीं उस पार परमेश्वर उससे भेंट करेगा। And he took off his robe and he looked around to the young man, and he smote the Jordan. और उसने अपना वस्त्र उतारा और उसने नवयुवक की ओर देखा और उसने यर्दन को मारा। And when he did, the Jordan opened up, and they walked over on dry land. और जब उसने ये किया, यर्दन खुल गई और वे सूखी भूमि पर से होकर पार चले गए। See, the Jordan ain't so bad after all. Amen. If there's something with you to open up the way. देखिए, जो भी है, यर्दन इतनी बुरी नहीं थी, यदि आपके पास कुछ है कि मार्ग बना दे। Oh, when they hit the other side. Oh, जब वे उस पार पहुँचे। Hooked to every bush was a horse. In the chariot. हर झाड़ी जिसमें उलझते थे घोड़ा और एक रथ था। The king of kings had sent an escort to bring Elijah up home. राजाओं के राजा ने एलिया को घर वापस लाने के लिए रक्षक भेजा था। All over for Elijah. ये केवल एलिया के लिए था। He'd had enough of about 80 something years of fussing with them people down there and having to be go through hungers and strifes and everything else, he was ready to go home. उसके जीवन में बहुत हो चुका था, लगभग 80 वर्षों के आसपास उन लोगों में था और भूख में, झगड़ों में और सब में से निकला था, वो घर जाने के लिए तैयार था। And he looked around to Elisha, and Elisha wanted to see a vision. और उसने एलिशा को देखा और एलिशा एक दर्शन देखना चाहता था। Oh, he had all the schooling back there, he could stop that. They wasn't getting nowhere. वो उसके पीछे वहाँ जितनी शिक्षाएं चल रही थीं, वो उन्हें रोक सकता था, वे कहीं भी नहीं पहुँच पा रहे थे। God was going to train him his own way. परमेश्वर उसे अपनी विधि से प्रशिक्षित करने जा रहा था। So when he looked over there, looked all them bushes hooked around there, these chariots of fire and horses of fire, it done something to Elijah. इसलिए जब उसने वहाँ देखा कि सारी झाड़ियाँ जो वहाँ पर थीं, वे आग के रथ और आग के घोड़े, इसने एलिशा के साथ कुछ किया। He saw a vision. उसने एक दर्शन देखा। Yes, brother. And when God taken Elijah up, he came back with the double portion of his spirit. हाँ भाई, और जब परमेश्वर ने एलिया को ऊपर उठा लिया तो वो अपने आत्मा के दूने भाग के साथ वापस आया। He was ready for the revival then. तब वो बेदारी के लिए तैयार था। Notice the man then being just a plowboy before. अब उस व्यक्ति को देखिए जो थोड़ा पहले हल जोतने वाला लड़का था। God made his name immortal. परमेश्वर ने उसका नाम अमरणहार बना दिया। All the prophets stood around watching him had to bow to his feet because he had the power of God upon him. सारे भविष्यद्वक्ता जो चारों ओर खड़े उसे देख रहे थे, उन्हें उसके कदमों पर झुकना पड़ा क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ उस पर थी। There's coming an hour when God shall make the world bow at the feet of men and women who has plunged through and crossed Jordan and separate themselves from the things of the world. अब वो घड़ी आ रही है जब परमेश्वर संसार को उन पुरुषों और महिलाओं के कदमों में झुका देगा जिन्होंने गोता मार के और यर्दन को पार किया और अपने आप को संसार की वस्तुओं से अलग कर लिया। Brother and sister, tonight, whatever you do, whatever you think,
You cross Jordan with God. भाई और बहन, आज रात्रि आप जो भी करते हैं, जो भी आप सोचते हैं, आप परमेश्वर के संग यर्दन को पार करें। Go on over, separate, leave the world behind. आगे बढ़िए और अलग हो जाएं, संसार को पीछे छोड़ दें। Let God train you for His own service. परमेश्वर आपको अपनी सेवा के लिए प्रशिक्षित करे। We are living in a day before this revival. But God's searching out, trying to find hearts. इस बेदारी से पहले के दिनों में हम रह रहे हैं, परंतु परमेश्वर हमें ढूंढ रहा है, हृदयों को खोजने का यत्न कर रहा है। Look, he found a man by the name of Paul, oh, self-styled Pharisee, but he had to work him over like before he could become a disciple. देखिए, उसे पौलुस नाम एक व्यक्ति मिला, ओह, अपने ही तरीके का फरीसी, परंतु उसे उसको तैयार करना था इससे पहले कि वो प्रेरित हो जाए। Look what he done all down through the ages to man. देखिए, उसने सारे मानव युग में क्या किया है। He had to take them and pump their theology out of them. उसने उन्हें लेकर उनका सारा धार्मिक ज्ञान उनमें से बाहर निकाल दिया। And Paul, as soon as he saw the vision, he didn't go up to Jerusalem to Gamaliel, the great teacher, the greatest in Israel that he had been taught by. He never went back to him to consult him. और पौलुस जैसे ही उसने दर्शन देखा, वो यरूशलेम में महान शिक्षक गमलीएल के पास नहीं गया, इसराइल में महानतम था जिसके की द्वारा वो पढ़ाया गया था, वो उससे परामर्श लेने वहाँ कभी वापस नहीं गया। Why never he went to Jerusalem for 14 years later? क्यों यहाँ तक कि यरूशलेम में भी 14 वर्षों तक नहीं गया। But he went out to Egypt in a prayer meeting. परंतु मिस्र को प्रार्थना सभा में चला गया। There God let him write many books of the New Testament. जहाँ परमेश्वर ने उससे बहुत सी नए नियम की पुस्तकें लिखवाई। See, God's looking for man. देखा, परमेश्वर लोगों को ढूंढ रहा है। He had somebody want to write that testament, so he just chose Paul, and he just got all his theology out of him. उसके पास कोई था जिससे वो वाचा लिखवाना चाहता था, इसलिए उसने पौलुस को चुना और उसने उसमें से सारी धार्मिक विद्या बाहर निकाल दी। Paul said he had to forget all that he ever knew to learn Christ. और पौलुस ने कहा, मसीह को जानने के लिए उसे वो सब कुछ भुला देना पड़ा जो वो जानता था। God today is trying to empty the world out of us and get us to empty ourselves out and be fearless men and women who love God and will stay with God and will cross the separating line, Jordan, that he could use us for his glory. आज परमेश्वर हम में से संसार को खाली करने का यत्न कर रहा है और हमसे हम ही को खाली करा रहा है और भय रहित पुरुष और महिला बना रहा है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के साथ स्थिर रहेंगे और अलग करने वाली रेखा यर्दन को पार करेंगे ताकि वो हमें अपनी महिमा के लिए प्रयोग कर सके। This is an hour that I want you to think hard. ये वही घड़ी है कि मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान पूर्वक सोचें। And if you have never crossed this place, और यदि आपने ये स्थान कभी पार नहीं किया है, if you've never come across this line, or you still say, well, my mother belonged to a certain church. यदि आप इस रेखा के पार कभी नहीं आए हैं, जहां आप अब भी कहते हैं, देखिए मेरी माँ एक अमुक कलीसिया से संबंधित है। That's all right. That doesn't take your place. ये ठीक है, वो आपका स्थान नहीं लेगी, समझे? God is calling men and women today to the battlefront. परमेश्वर आज पुरुष और महिलाओं को अगली युद्ध की पंक्ति में बुला रहा है। He's not called them to Gilgal. Neither is he calling them to Jericho or Bethel. वो उन्हें गिलगाल नहीं बुला रहा है, ना ही यरीहो या बेतेल बुला रहा है। They will perish. वे नष्ट हो जाएंगे। But he's calling them to cross Jordan. परंतु वो उन्हें यर्दन के पार बुला रहा है। So he can get you out of the school of his own power and make you and mold you. और वो अपनी ही सामर्थ से आपको विद्यालय से निकाल रहा है और आपको बना रहा है और ढाल रहा है। Look what he's doing right here now. Sending down the spirit of his son. देखिए, वो यहाँ अब क्या कर रहा है? अपने पुत्र के आत्मा को नीचे भेज रहा है। He's performing signs and wonders and miracles which the world hasn't seen in the last 2,000 years. वो चिन्ह और चमत्कार आश्चर्यकर्म कर रहा है जो कि संसार ने पिछले 2,000 वर्षों से नहीं देखे। The scientific world has caught the picture of it. वैज्ञानिक संसार ने उसका चित्र खींचा है। The pillar of fire, the angel of the Lord. Hangs in Washington D.C. tonight, the Hall of Religious Art.
The only supernatural being was ever scientifically proven to be photographed. He puts forth the same signs and wonders. आज रात्रि आग का खंबा प्रभु का दूत वॉशिंगटन डीसी में धार्मिक कला के संग्रहालय में लटका है। केवल एक ही अलौकिक विज्ञान से प्रमाणित चित्र वो अपने वही चिन्ह आश्चर्यकर्म सामने ला रहा है। What is it? It's crossing Jordan. ये क्या है? ये यर्दन को पार करना है। Get alone with God. Lay in his own furnace of refinery. परमेश्वर के संग अकेले में हो जाएं, उसकी अपनी शुद्ध होने की भट्टी में लेट जाएं। Get on the big master potter's wheel and let him mold you. महान स्वामी कुमार के चाक पर आ जाएं और उसे आपको ढालने दें। Tonight, while we're in prayer, while we're coming to that place, lay yourself right over on his wheel and say, Lord, here I am. Mold me and make me after your own fashion. And God will do it. आज रात्रि जबकि हम प्रार्थना में हैं, जबकि हम उस स्थान पर आ रहे हैं कि स्वयं को ठीक उसके चाक पर रख दें और कहें, प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, मुझे ढाल दे, मुझे अपनी ही रीति पर बना दे, और परमेश्वर ये करेगा। While we bow our heads just a moment for a word of prayer. Just before prayer, I'd like to ask this question to people inside and out. जबकि हम अपने सिरों को एक क्षण के लिए प्रार्थना में झुकाए हुए हैं, प्रार्थना से पहले मैं अंदर और बाहर वाले लोगों से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। How many in here sincerely would like to go with Jesus down to the Jordan tonight? There, cross over there to where you could see a vision and see what God really means. कि आज रात्रि कितने ईमानदारी से यीशु के साथ यर्दन पार जाना चाहते हैं और पार हो जाने पर जहां आप दर्शन देख सकें और देखें कि वास्तव में परमेश्वर का क्या अभिप्राय है। Would you raise your hands? क्या आप अपने हाथ उठाएंगे? God bless you. Just look, I guess it's 200 hands in the building. परमेश्वर आपको आशीष दे। देखें कि मैं अनुमान लगाता हूं कि लगभग 200 हाथ भवन में उठे हुए हैं। Go down to Jordan, not down to the seminary. यर्दन पर जाएं, ना कि धार्मिक विद्यालय। Elisha passed right by that. एलिशा वहां पास से होकर निकल गया। They said, "Tarry here." He said, "I don't want to." That's man-made. उन्होंने कहा, यहां रुक। उसने कहा, मैं नहीं चाहता। ये मनुष्य द्वारा निर्मित है। I'll never quench that thirst of a man who's thirsting for God. ओ, ये उस मनुष्य की जो परमेश्वर का प्यासा है, उसकी प्यास नहीं बुझा सकता। No seminary experience, no degrees of art or so forth will never, never quench that thirst till you drink from that fountain of life. कोई धार्मिक विद्यालय का अनुभव, कोई कला की डिग्री नहीं या आदि आदि कभी भी प्यास नहीं बुझाएगी जब तक आप उस जीवन के सोते से ना पिए। You didn't raise your hands. Pray with me now. आप जिन्होंने अपने हाथ उठाए हैं, अब मेरे साथ प्रार्थना करें। Dear God, in this few minutes of service, men and women standing around the walls, boys and girls, and on the outside leaning against the windows. प्रिय परमेश्वर, इस कुछ मिनटों की सभा में पुरुष और महिलाएं जो दीवार के साथ साथ खड़े हैं, लड़कियां और लड़कियां जो बाहर खिड़कियों में झुके हुए खड़े हैं। Hot, but yet there's something in them that you've caught their attention, or they'd have walked away. They wouldn't stand there like that. गर्मी है, परंतु अभी भी उनमें कुछ है कि आपने उनके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित किया है, या तो वो फिर चले गए होते, वे वहाँ इस प्रकार नहीं खड़े होते। Lord God, because they know that they're just human beings. परंतु प्रभु परमेश्वर, क्योंकि वे जानते हैं कि वे मात्र मानव जीव हैं। And we read in the paper where one of our honorable ex-mayors Listen to the vice president speak was taken away. हम अखबार में पढ़ते हैं जिसमें हमारे एक माननीय अवकाश प्राप्त मेयर ने उपराष्ट्रपति को बोलते सुना और वो चल बसा था। Another at a ball game the other night, a noted man went quickly. And their souls is somewhere tonight. दूसरी रात्रि गेंद के खेल में एक जाना माना व्यक्ति एकदम चला गया, और आज रात्रि उनके प्राण कहीं पर हैं।
God, that'll be our way someday. परमेश्वर एक दिन हमारा भी वही मार्ग होगा. Maybe not in the same manner, but we must go. संभव है इस प्रकार नहीं, परंतु हमें जाना है. And let men come to themselves and realize that just belonging to the church isn't what you require. और होने दे कि लोग अपने आपे में आए और अनुभव करें कि किसी कलीसिया से संबंधित होना आपकी मांग ये नहीं है. You want man to be filled with the Spirit, born, hewed out, burning with the Holy Spirit, branded. Man who's crossed the line. God called man. आप चाहते हैं कि लोग पवित्र आत्मा से भर जाएं, उत्पन्न हों, काट कर निकाले जाएं, अंदर से पवित्र आत्मा द्वारा जलाए जाएं. नए लोग जो रेखा पार हो चुके हैं, परमेश्वर द्वारा बुलाए गए लोग. And we believe that you're going to send the revival that Billy Graham and many others are praying for. और हम विश्वास करते हैं कि बिली ग्राम और दूसरे जो बेदारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसे भेजें. When you can get men out to themselves, away from their school of theology, away from their self-styled ways, fearless man. Man of character with you, who believes you and takes you at your word. जब आप मनुष्य को उनके आपे में से निकाल सकते हैं, उनके धार्मिक शिक्षा के विद्यालय से, उनके अपने जीवित रहने के ढंग से निकाल कर, निडर लोग, आपके संग चरित्र वाले मनुष्य जो आपका विश्वास करते हैं और आपको आपके वचन के आधार पर ग्रहण करते हैं. God may many of them be standing present now. That'll give all that they've got to the Lord Jesus and sell out to the world. परमेश्वर हो सकता है बहुत से वे जो अब यहाँ खड़े हुए उपस्थित हैं, वे सब जो उनके पास हैं प्रभु यीशु को दे देंगे और संसार को बेच देंगे. Go on past Gilgal, the place of confession and Christian beginnings. गिलगाल को पीछे छोड़ दें, प्रायश्चित का स्थान और आरंभ के मसीही. Go on past the school of the prophets that sit back there with their theology. भविष्यवक्ताओं के विद्यालय को पीछे छोड़ दें जो अपने धार्मिक ज्ञान के साथ बैठे हैं. Go on to Jordan to an open vision when they crossed. Find that the living God still lives. यर्दन पार जाएं एक खुले दर्शन पर. जब वे पार जाएंगे तो पाएंगे कि जीवित परमेश्वर अब भी जीवित है. Later we find this prophet looking all around him, and there were those same angels of fire and chariots down at Dothan one day. बाद में हम पाते हैं कि ये भविष्यवक्ता अपने चारों ओर देखता है और वहाँ वे ही आग के दूत थे और रथ एक दिन वहाँ दोतान में थे. You're still here tonight, Lord. प्रभु आज रात्रि भी वे यहाँ हैं. Call your man, call your women, your boys, your girls, Lord. प्रभु अपने पुरुषों और महिलाओं को पुकारें, अपने लड़के अपनी लड़कियों को. Speak peace to their hearts and let them cross over beyond the things of the world. For we ask it in Jesus' name and for His sake. Amen. उनके हृदयों में शांति बोलें और उन्हें संसार की वस्तुओं के पार जाने दें. हम उसके लिए उसके नाम यीशु में मांगते हैं. आमीन. I want to sing that just a moment real quietly in worship. मैं एक क्षण के लिए वास्तविक शांत आराधना में वो गाना गाना चाहता हूँ. Have thine own way, Lord. Have thine own way. प्रभु तेरी अपनी राह में, तेरी ही राह में. Hold over my being absolute sway. मेरे जीवन को थाम ले पूर्ण शासन में. Mold me and make me after thy will, while I'm waiting, yielded and still. मुझे ढालें और बनाएं अपनी ही इच्छा अनुसार, जबकि मैं प्रतीक्षा में हूँ, समर्पित और शांत. All together now. In a way of worship. सब एक साथ आराधना के रूप में. Have thine own way. Now dedicate yourself to that song. Bow that song to God. Have thine own way. Hold over my being. Absolute sway. Mold me. Make me
quietly now and worship now. Don't look around, just look to God. तेरी अपनी ही राह में अब स्वयं को इस गीत के लिए समर्पित करें परमेश्वर को इस गीत के द्वारा. अब शांति में आराधना इधर उधर ना देखें, केवल परमेश्वर की ओर देखें. Really mean it. Have thine own way. Thou art the potter. I am the clay. Mold me and make me after thy will. I believe it would be real good. You love the worship. मैं विश्वास करता हूँ कि ये वास्तव में अच्छा होगा. आप आराधना करना पसंद करते हैं. Message is over now. Let's just worship a minute with our heads bowed. That song again. Mean it from your heart. अब संदेश समाप्त हो गया है. आइए अपने झुके हुए सिरों के साथ एक मिनट के लिए आराधना करें. फिर से वो गीत आपके हृदय से इसका अर्थ हो. From these little children to the oldest man and woman in divine presence. प्रभु इसे ग्रहण करें. हर कोई इन छोटे छोटे बालकों से बूढ़े पुरुषों और महिलाओं तक दिव्य उपस्थिति में है. May the Holy Spirit just now operate on their faith and take away all of the doubts, all of the little failures. And may they be molded after thy will. होने दे कि पवित्र आत्मा अभी इनके विश्वास पर कार्य करे और सारे संदेह दूर कर दे. सारी छोटी छोटी असफलताएं और ऐसा हो कि ये तेरी इच्छा अनुसार ढाले जाएं. While they're on your great molding wheel, we lay our souls for dedication. Remolding. जबकि ये तेरे ढलाई के चाक पर हैं, हम अपने प्राणों को समर्पण और फिर से ढलने के लिए रखते हैं. Grant it, O God, in the name of Jesus, thy Son. Amen. ओ परमेश्वर, इसे ग्रहण करें तेरे पुत्र यीशु के नाम में. आमीन. I just love this, don't you? मुझे ये अच्छा लगता है, क्या आपको नहीं? Just quietly feeling the Holy Spirit. केवल शांति से पवित्र आत्मा का अनुभव. Oh, it's a rugged message, and then that sweetness of the Holy Spirit, it comes by the word. Oh, एक कठोर संदेश के पश्चात और तब पवित्र आत्मा की ये मिठास ये वचन के द्वारा आती है. I'm going to sing a verse of that or try. मैं इसका एक पद गाने जा रहा हूँ या इसका यत्न करूँगा. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan
was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus, they crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood like the prophets of old, so the true word of God would honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. Amen. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. Hallelujah. The souls under the altar are crying, how long for the Lord to punish all that's done wrong? But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood. All together now. Up sab ek saath. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. What were they? Man who God trained and called. वे क्या थे जिन्हें परमेश्वर ने प्रशिक्षित किया और बुलाया? How can God ever use a coward to put his word into? He's a scared. परमेश्वर अपने वचन को रखने के लिए कैसे डरपोक का प्रयोग कर सकता है? वो डरा हुआ है. That's the reason they know nothing about it. यही कारण है कि वो इस विषय में कुछ नहीं जानते. Man who are not scared, who God has circumcised by the Holy Spirit. God lives inside. वे मनुष्य जो डरते नहीं, जिनका परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा खतना किया है, परमेश्वर भीतर रहता है. He just as soon seal his blood as not his testimony with his blood. Doesn't care. वो ऐसे ही अपने लहू से अपनी गवाही मोहर करेगा, जैसे कि कुछ न हो. उसकी गवाही उसके लहू से चिंता नहीं करता. It's Christ that he lives. जिससे वो जीता है वो मसीह है. For me to live is Christ and to die is gain. That's the way they feel about it. Amen. जीना मेरे लिए मसीह और मरना लाभ है. इसके विषय में उन्हें ऐसा ही लगता है. आमीन. Now it's time for the prayer line. And it's an early prayer line, just about 20 after 8. अब ये प्रार्थना पंक्ति का समय है और ये पहले की प्रार्थना पंक्ति है, 8 के पश्चात लगभग 20. But we're wanting to pray for the people. परंतु हम लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं. And I want you now, this all the preaching that we could do would not a compare with one spoken word from God himself. अब मैं चाहता हूं कि आप ये जितना प्रचार हम कर सकते हैं उसका स्वयं परमेश्वर के मुख से निकले एक वचन से भी कोई तुलना नहीं. Now to start the prayer line which we promised to pray for all. That we'll do, God willing. अब प्रार्थना पंक्ति आरंभ करने के लिए जिसके लिए हमने सबसे प्रतिज्ञा की है, परमेश्वर चाहेगा तो हम करेंगे. We each night have given out prayer cards and saying in this that each night we'd call a group out of there for a discernment. हमने प्रत्येक रात्रि प्रार्थना पत्र दिए हैं और उनमें कहा है कि हर रात्रि हम एक झुंड को बुलाएंगे बातों को परखने के लिए. But the people then, some of us leave on that night. परंतु उनमें से कुछ लोग उसी रात्रि चले जाएंगे. We'd have a great meeting and the Spirit would fall and the
people would leave and the next night we'd have to give out more. हमारी एक महान सभा होगी और आत्मा उतरेगा और लोग चले जाएंगे और अगली रात्रि हमें और अधिक देना होगा. And if I'm not mistaken, am I not looking at Fanny Wilson standing back there? यदि मैं गलती ना करूं, क्या मैं फैनी विल्सन को पीछे खड़े नहीं देख रहा हूं? I remember taking that woman about 17, oh more than that, about 20, 19 and 32, dying with TB, and the doctor of this city had give her up and she'd hemorrhage to the blankets and everything was laying wet with blood. मुझे स्मरण है कि उस महिला को लगभग 17, ओह इससे अधिक, लगभग 20, 1932 टीबी से मर रही थी और इस नगर के डॉक्टर ने मना कर दिया था और अंदर से उसे घाव था, यहाँ तक कि उसके कंबल और हर चीज लहू से भीग गई थी. Her husband and daughter come and got me one morning, went out there and called over her the name of the Lord Jesus. एक प्रातः उसका पति और पुत्री आकर मुझे ले गए, वहाँ जाकर उसे प्रभु यीशु का नाम स्मरण कराया. And about a few days later, in a cold winter time, I baptized her in the name of the Lord Jesus at the river, and she come down the road in the back of an old cattle truck, wet as she could be. और कुछ ही दिनों के पश्चात एक ठंडे जाड़े के मौसम में मैंने उसे नदी में प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया और वो मवेशियों के ट्रक में पीछे लहू में लथपथ होकर आई जितनी हो सकती थी. She lives yet tonight because Christ did it. वो आज रात्रि भी जीवित है क्योंकि ये मसीह ने किया. First time I've seen her in many years. पहली बार मैंने उसे वर्षों पहले देखा था. Looking around over the audience, seeing it, God still lives. That's right. इसे देखने के लिए चारों ओर सभा में ढूंढ रहा था, परमेश्वर अब भी जीवित है, ये सत्य है. And he said, because I live, you can live also. और उसने कहा, क्योंकि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रह सकते हो. Now, I would like to just to kindly place to you what this is, because if I don't, then you might go away and say, well, I don't understand that. अब मैं ये चाहूँगा कि आपको ऐसे स्थान पर कि ये क्या है, क्योंकि यदि मैं नहीं समझता हूँ तो आप जाकर ये कहेंगे कि मेरी समझ में ये नहीं आता कि. Now, my contention is this, that Jesus Christ remains the same yesterday, today and forever. अब मेरे दावे ये हैं कि यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा रहता है. Now, if he is the same, he's got to be the same in every principle. The same in power, the same in might, the same in everything that he was. अब यदि वो एक सा है तो उसे हर सिद्धांत में एक सा रहना चाहिए, सामर्थ्य में, शक्ति में और हर चीज में वैसा ही रहना चाहिए जैसा कि वो था. And when on earth here, there were some Greeks one time who came and said, sirs, we would see Jesus. जब वो यहाँ पृथ्वी पर था तो एक बार कुछ यूनानी आए जिसने आकर और कहा, श्रीमान हम यीशु से मिलना चाहते हैं. And I believe that that is the desire of every man or woman that ever heard of Jesus wants to see him. और मेरा विश्वास है कि प्रत्येक पुरुष और महिला की ये इच्छा है जिसने कभी यीशु के विषय में सुना, वो उसे देखना चाहता है. And if he isn't the same, then we cannot see him. But if he is the same, we can see him, or he told something wrong. और यदि वो एक सा नहीं है तो हम उसे नहीं देख सकते, परंतु यदि वो एक सा है तो हम उसे देख सकते हैं या उसने कुछ गलत बताया. Yet a little while in the world won't see me no more, yet ye shall see me, for I, the personal pronoun, I will be with you, even in you to the end of the age. अभी थोड़े समय के बाद और संसार मुझे फिर ना देखेगा तो भी तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं सर्वनाम मैं तुम्हारे साथ होऊंगा और तुम्हारे अंदर होऊंगा युग के अंत तक. And then Jesus promised to be in his church doing the same things that he did then until the age end. और तब यीशु ने अपनी कलीसिया में होने की प्रतिज्ञा की है और उन्हीं कामों को करने की जो उसने तब किए थे जब तक युग समाप्त नहीं हो जाता. Now, I said a little while the world won't see him no more. अब उसने कहा, थोड़ी देर बाद संसार मुझे और ना देखेगा. Well, then how would we see him? तो फिर हम उसे कैसे देखेंगे? We'd have to see his spirit if he's in us, and that spirit would have to do the same that he did then, or it wouldn't be the same spirit. हम उसका आत्मा देखेंगे यदि वो हम में है, और उसका आत्मा वही कार्य करे जो उसने तब किए थे,
या फिर ये वो आत्मा नहीं है। I am the vine, ye are the branches. मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। And if we bear, if the branch is in the vine, the branch will bear the kind of fruit that the vine produces to it. और यदि हम बने रहें, यदि डाली दाखलता में है, तो डाली उसी प्रकार का फल लाएगी, जो दाखलता उत्पन्न करेगी। Well, the first vine come forth, the first branch that come out of the vine was a Pentecostal branch. अच्छा, पहली दाखलता आई। पहली डाली जो दाखलता में से निकली वो पेंतिकोस्तल कलीसिया थी। Visions, powers, healings, baptism of the Holy Spirit, great signs and wonders. The next branch will have to be the same kind of branch. दर्शन, सामर्थ्य, चंगाइयां, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, महान चिन्ह और आश्चर्यकर्म, अगली डाली भी बिल्कुल पहली डाली जैसी होगी। On down to the end, it'll have to be the same. That's what Jesus said. अंत में वैसा ही होगा, यही है जो यीशु ने कहा। Now let's see what he was yesterday. अब देखें कि वो बीते कल में क्या था। If we can find what he was yesterday, यदि हम ये जान सकें कि वो कल क्या था। I'm taking a shortcut because of time. Go give about 5 minutes of instructions. अब मैं संक्षेप में बातें कर रहा हूँ, समय के कारण 5 मिनट में निर्देश देने जा रहा हूँ। And if we can see what he was yesterday, then we can see what he is today and will be forever. यदि हम देख सकें कि वो कल क्या था, तब हम देख सकेंगे कि वो आज क्या है और सदा रहेगा। Is that fair enough? क्या ये काफी स्पष्ट है? Now when he was here on earth, he came as the Messiah, was baptized by John the Baptist, had done no works yet, and he entered his early ministry. अब जब वो इस पृथ्वी पर था, वो एक मसीह के समान आया, यहुन्ना के द्वारा बपतिस्मा पाया और अभी तक कोई कार्य नहीं किया था और उसने अपनी आरंभ की सेवा में प्रवेश किया। Who was he sent to? The Jews. वो किसके पास भेजा गया था? यहूदियों के पास। Now we realize there's only three nationalities of people in the world. अब हम ये अनुभव करते हैं कि संसार में केवल 3 प्रकार के लोग हैं। That's Jew, Gentile and Samaritan, which is Ham, Sham and Japheth's people. Jew, Gentile and Samaritan. जो कि यहूदी, अन्य जाति और सामरी, जो कि हेम, शेम और यापेत के लोग, यहूदी, अन्य जाति और सामरी। Remember Peter called on them with the keys to the kingdom on the day of Pentecost to the Jews? आपको याद है, पतरस को उनके पास स्वर्ग के राज्य की कुंजी के साथ बुलाया गया, यहूदियों के पास पेंतेकुस्त पर। Repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ. तुम में से प्रत्येक प्रायश्चित करे और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले। Philip went out and preached to the Samaritans. फिलिप उसने जाकर सामरियों को प्रचार किया। They all believed and repented and have been baptized in the name of Jesus Christ. Only the Holy Ghost hadn't come on them. उन सब ने विश्वास किया और प्रायश्चित किया और यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। केवल पवित्र आत्मा उन्हीं पर नहीं उतरा था। Peter had the key. पतरस के पास कुंजियां थीं। He came down, laid hands on them, and they received the Holy Ghost. वो आया और उन पे हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। And then Cornelius the Gentile had a vision that he was to send and get a man called Peter, Simon Peter, that dwelt in a man's house who was a tanner. तब कुर्नेलियस अन्य जाति को दर्शन मिला ताकि वो भेजकर पतरस को बुलवाए। शमान पतरस एक चमड़ा के धंधा करने वाले के यहाँ रहता था, उसके घर में रहता था। And when Peter came up there, while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on him. और जब पतरस वहाँ आया, जबकि पतरस ये वचन बोल ही रहा था, पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। Then said Peter, can a man forbid water? These have received the Holy Ghost like we got it at the beginning. तब पतरस ने कहा, क्या मनुष्य पानी को रोक सकता है? इन्होंने भी हमारे समान पवित्र आत्मा पाया जैसे कि हमने आरंभ में पाया था। Every branch coming forth just the same. हर डाली वैसे ही फूट कर निकल रही है, देखा? Now when Jesus met, now he did not come to the Gentiles. अब जब यीशु मिला, अब वो अन्य जातियों के पास नहीं आया था। How many knows that? कितने ये बात जानते हैं? He forbid his disciples to go to any Gentiles. उसने अपने चेलों को किसी भी अन्य जाति के पास जाने से रोका। How many knows that? कितने इस बात को जानते हैं? Go not in the way of the Gentiles, but go rather to the lost sheep of Israel, and as you go, preach saying, the kingdom of heaven is at hand to the lost sheep of Israel. अन्य जातियों के पास ना जाना, परंतु इसराइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना, और जैसा कि तुम जाकर प्रचार करते हुए कहो, परमेश्वर का राज्य निकट है, इसराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए। Now who was looking for him to come in that day? उस दिन में कौन उसके आने की राह देख रहा था? Not the Gentiles, we were heathens, Anglo-Saxon. अन्य जाति नहीं, हम मूर्ति पूजक एंग्लो सैक्सन थे। We were Romans, worshiping the sun and
so forth. हम रोमी जो सूर्य और आदि आदि की आराधना करते थे, we wasn't looking for any Messiah. हम किसी मसीह की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे. But the Jews and the Samaritans was. परंतु यहूदी और सामरी थे. Now how did he declare himself to them people that was looking for him? अब उसने स्वयं को उन लोगों पर कैसे प्रकट किया जो उसकी प्रतीक्षा देख रहे थे? Let's go back now to St. John, the first chapter. And just for a moment now, and listen close. अब हम वापस संत यूहन्ना के पहले अध्याय में वापस चलें और अब कुछ क्षण के लिए और ध्यान से सुने. The first Jew that was ever brought to him when Philip or Andrew got converted and went and found his brother Simon Peter, he brought Simon in front of Jesus and Jesus told him what his name was and what his father was. पहला यहूदी जो उसके पास कभी लाया गया जब फिलिपुस या इंद्रियास का मत परिवर्तन हुआ और जाकर अपने भाई को शमौन पत्रस को ढूंढा, वो शमौन को यीशु के सम्मुख लाया और यीशु ने बताया कि उसका क्या नाम था और उसके पिता का क्या नाम था. कितने ये बात जानते हैं? What do you think that done to that man that would later have the keys of the kingdom in his hand? आप क्या सोचते हैं कि उस मनुष्य को क्या हुआ जिसके पास बाद में स्वर्ग के राज्य की कुंजियां उसके हाथ में थीं? That's what he proved himself to be Messiah. यही था जिसने ये सिद्ध किया कि वो वही स्वयं मसीह है. Quickly then Philip got converted and went and found Nathanael. तब एकदम से फिलिपुस का मत परिवर्तन हो गया और जाकर नतेल को ढूंढा. That's 30 miles around the mountain. ये पहाड़ के उस पार 30 मील दूर है. And he come up to the house and I can hear him say, "Oh, Mrs. Nathaniel, where's Nathaniel?" और वो घर पर आया और मैं उसे ये कहते हुए सुन सकता हूँ, ओ श्रीमती नतेल, नतेल कहाँ है? Oh, he's out in the olive orchard. ओ, वो बाहर जैतून के बाग में है. Run out there real quick, Nathaniel, where are you? तेजी से वहाँ भागा, नतेल तुम कहाँ हो? And he found him under a tree and Nathaniel was praying. और उसने उसे पेड़ के नीचे पाया और नतेल प्रार्थना कर रहा था. And he waited till he got through praying and he said, "Now how do you do, Nathaniel? How's the crops doing?" और जब तक वो प्रार्थना न कर चुका उसने प्रतीक्षा की और उसने ये नहीं कहा, कैसे हो नतेल, फसल कैसी हो रही है? Oh, he had a message. ओ, उसके पास संदेश था. That's the way a man who's met Jesus has. You got no time for foolishness. जिससे यीशु मिल चुका वो इस प्रकार का होता है, उसके पास मूर्खता के लिए समय नहीं है. He said, "Come see who we found. Jesus of Nazareth, the son of Joseph." उसने कहा, आओ और देखो हमें कौन मिला, नासरत का यीशु, यूसुफ का पुत्र. And now I can see Nathaniel brushing off his clothes from prayer. और अब मैं देख सकता हूँ नतेल ने प्रार्थना पर से उठकर अपने कपड़े झाड़ रहा है. He said, "Now Philip, I know you to be a good man and an honest man." उसने कहा, अब फिलिपुस मैं जानता हूँ कि तुम एक भले व्यक्ति हो, एक ईमानदार व्यक्ति हो. Now could there be any good thing come out of Nazareth? अब क्या नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? Well, you know if the Messiah would come, he'd come to Jerusalem to the church. अच्छा, आप जानते हैं यदि मसीह आएगा तो वो कलीसिया से होकर यरूशलेम में आएगा. That's what people think today. आज यही है जो लोग सोचते हैं, समझे? He'd come to Jerusalem. वो यरूशलेम में होकर आएगा. Caiaphas has never announced it at the last meeting. अंतिम सभा में कैफा ने इसकी घोषणा नहीं की. So none of the theologians announced it. ऐसे ही किसी धर्मज्ञाता ने भी घोषणा नहीं की. So I know you to be an honest man. Have you went off on the deep end? इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो और तुम गहराई से अलग हो गए हो. Oh no, you come find out. ओ नहीं, तुम आकर देख लो. He said, "Could anything good?" उसने कहा, कोई अच्छी चीज हो सकती है? He gave him the best answer any man could. Said, "Come see for yourself." उसने उसे सबसे अच्छा उत्तर दिया जो कोई किसी व्यक्ति को दे सकता है. कहा, आकर स्वयं देख लो. Now on the road around, I can hear Nathaniel say, or Philip say to Nathaniel, "You know what? You remember that old fisherman down there that couldn't even sign that receipt when you gave him that, bought them fish from him?" अब मार्ग पे चलते हुए मैं सुन सकता हूँ नतेल कहता है, या फिलिपुस नतेल से कहता है, क्या तुम जानते हो, तुम्हें स्मरण है वो बूढ़ा मछुआरा जो कि रसीद पर अपने हस्ताक्षर भी नहीं कर सकता था जब तुमने उसे वो दिया था, उससे वो मछलियाँ खरीदी थी? Yes. हाँ. I believe his name is Simon. मुझे विश्वास है उसका नाम शमौन था. Yes, that's it. हाँ, वही. I brought him the other day up in front of that Messiah, and as soon as he seen him, he said, "Your name's Simon. Your father's name's Jonas." उस दिन मैं उसे उस मसीह के सामने लाया और जैसे ही उसने उसे देखा उसने कहा, तेरा नाम शमौन है, तेरे पिता का नाम जोना है. I wouldn't surprise me, but when you come before him, he wouldn't tell you who you are. और मैं क्या मुझे आश्चर्य नहीं होगा परंतु जब तुम उसके सामने जाओगे वो तुम्हें न बताएगा कि तुम कौन हो. He said, "Ah, now wait a minute.
Not me. उसने कहा अब एक मिनट ठहरो, मुझे नहीं। So the next day they arrived and Jesus is in the prayer line as usual praying for the sick. इसलिए अगले दिन वे पहुंचे और यीशु प्रार्थना पंक्ति में था जैसे कि वो बीमारों के लिए प्रार्थना किया करता था। And when he could have come up and got out into the audience. और जब वो आया और सभा में पहुंचा। Jesus looked up and he seen Philip coming, bringing a man up through the aisle, and he looked at him and he said, "Behold an Israelite, in whom there is no guile." यीशु ने देखा और उसने फिलिपस को आते देखा, एक मनुष्य को गलियारे में से ला रहे थे, और उसने उसकी ओर देखा और उसने कहा, देखो एक इसराइली जिसमें कोई भी छल नहीं है। That a strange doctrine? ये एक नई शिक्षा है। That was Jesus yesterday. That's Jesus today if he's the same. ये यीशु कल था, ये यीशु आज है यदि वो एक सा है। And that man stopped. और वो व्यक्ति रुक गया। I can see Nathaniel, Philip nudge him, say, what to tell you? मैं देख सकता हूँ कि नतेल ने फिलिपुस को कोनी मारकर कहा, मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैंने क्या बताया था। He said, "Rabbi means teacher, whatever we call it today, you know, it really the right Hebrew word means teacher." उसने कहा, रब्बी, जिसका अर्थ है गुरु, या आज हम जो भी इसे कहें, आप जानते हैं, वास्तव में सही हिब्रू शब्द का शब्द गुरु है। He said, "Rabbi, when did you ever see me?" कहा, रब्बी, तूने मुझे कभी नहीं देखा। How do you know anything about me? तू मेरे विषय में कोई बात कैसे जानता है? I never seen you in my life. How do you know that I am an Israelite? मैंने तुझे कभी अपने जीवन में नहीं देखा, तू कैसे जानता है कि मैं इजरायली हूँ? How do you know that I'm just and honest and truthful? तू कैसे जानता है कि मैं धर्मी और ईमानदार और सच्चा हूँ? You never seen me in your life. How do you know me? तूने मुझे अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा, तू मुझे कैसे जानता है? He said, "Before Philip called you, when you were under the tree, I saw you." उसने कहा, इससे पहले कि फिलिपुस तुझे बुलाए, जब तू पेड़ के तले था, मैंने तुझे देखा। 30 miles around the mountain the day before. What eyes? एक दिन पहले पहाड़ के दूसरी ओर 30 मील, क्या आंखें हैं? Now what did he say? अब उसने क्या कहा? He said, "Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel." उसने कहा, रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का राजा है। If the Jews recognize that, यदि यहूदी ये पहचान ले, now wait, that was the elected Jew. अब ठहरिए, ये चुना हुआ यहूदी था। How many believe in election? कितने चुनाव में विश्वास करते हैं? Oh, there's many people who never receive it. The Bible said so. ओ, बहुत से लोग हैं जो ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे, समझे? बाइबल ने ऐसा कहा है। But that man had the spirit of God in him, and he confessed it. परंतु उस मनुष्य में परमेश्वर का आत्मा था और उसने ये स्वीकार किया। Said, "Rabbi, you're the son of God. You're the king of Israel." कहा, रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है। But there stood the theologians of that day, the priests and the great teachers listening at him. And you know what they said? परंतु वहाँ उन दिनों के धर्मी ज्ञानी पुरोहित वहाँ खड़े थे और महान शिक्षक उसकी सुन रहे थे, और आप जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा? They said he's a fortune teller. He's got the spirit of Beelzebub on him. उन्होंने कहा, ये भावी बताने वाला है, इसके ऊपर बालजबूल का आत्मा है। Jesus, they never spoke it out loud. No. यीशु, वे ये बात कभी भी जोर से नहीं बोले, नहीं। But Jesus turned and looked at him. He said, "You can call me that and get by with it. But there come a time that when the Holy Ghost will come, and when you speak one word against him doing the same thing, it'll never be forgiven. And this world or the world to come." परंतु यीशु घूमा और उन्हें देखा, उसने कहा, तुम मुझे ये कह सकते हो और इससे बचकर निकल जाओगे, परंतु एक समय आएगा जब पवित्र आत्मा आएगा, और जब तुम एक शब्द उसके विरोध में यही कार्य करते हुए बोलोगे, वो कभी भी ना तो इस संसार में ना आने वाले संसार में क्षमा ना होगा। So then what are we dealing with? इसलिए हम किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं? That was the Jews. वे यहूदी थे। The real, true and honest Jews believed him to be the Messiah. वास्तविक सच्चे और निष्ठावान यहूदियों ने उसका मसीह होने का विश्वास किया। The teachers and theologians, what were they? The seed of the serpent as we went through. शिक्षक और धर्म ज्ञानी, वे क्या थे? सर्प का वंश, जैसे कि हम देख चुके हैं। He said, "You are of your father, the devil." Yet they were smart, brilliant, holy man. उसने कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो, यद्यपि वो तेज तरार बुद्धिमान पवित्र लोग थे। They wouldn't move a straw, holy. वे एक भी तिनका नहीं हिलाते, पवित्र। They wouldn't break the Sabbath, they wouldn't eat no meats.
वे सबत नहीं तोड़ेंगे, वे मांस नहीं खाएंगे। They were holy men, but they failed to see. वे पवित्र लोग थे परंतु वे देखने में असफल रहे। See, they had been trained by man. देखिए, वे मनुष्य के द्वारा प्रशिक्षित किए गए थे। God trains his men rugged. That's right. God called man. परमेश्वर अपने लोगों को कठिनाई में प्रशिक्षित करता है, ये ठीक बात है, परमेश्वर द्वारा बुलाए हुए लोग। Then one day he, that's what the Jews thought. That's why he made himself known to the Jews. तब एक दिन वो करेगा, यही यहूदियों ने सोचा था, उसने इसी प्रकार से स्वयं को यहूदियों पर प्रकट किया था। How many know that's a scripture? All right. कितने जानते हैं कि ये वचन है? ठीक है। Now if he made himself known to the Jews, that was Jesus yesterday with the Jews. अब यदि अपने आप को उसने यहूदियों पर प्रकट किया तो वो यीशु कल था यहूदियों के साथ। Now you said the Samaritans was looking for him to come. अब आपने कहा सामरी उसके आने की राह देख रहे थे। Yes, they were. But not the Gentiles, just the Samaritans. जी हाँ वे, परंतु अन्य जातियाँ नहीं, केवल सामरी। And when he first met the Samaritans, he had need to go by Samaria, and he stopped and sent his disciples away for food about 12 o'clock. जब वो पहले सामरियों से मिला, उसे सामरिया होकर जाना अवश्य था, और वो रुका, और अपने चेलों को खाना लेने के लिए लगभग 12 बजे भेजा। He sat down on a well. वो कुएं पर बैठ गया। Out come a woman, started. Now we know her in this land to be a woman of ill fame, street lady, you know, prostitute. एक स्त्री निकल कर आई, आरंभ किया। अब इस देश में हम जानते हैं कि वो स्त्री बदनाम थी, एक सड़क छाप महिला, आप जानते हैं, वेश्या। And so she come out and start to let the bucket down in the well to get some water, and she heard a voice saying, "Woman, bring me a drink." और इस प्रकार वो आई और अपनी बाल्टी कुएं में उतारने लगी कि कुछ पानी ले, और उसने एक आवाज को कहते सुना, स्त्री मुझे पानी पिला। And she looked around, there sat a middle-aged Jew. और उसने देखा और वहाँ एक अधेड़ आयु का यहूदी बैठा था। He was only 30 something, but the Bible said he looked 50. वो 30 के लगभग का था, परंतु बाइबल ने कहा वो 50 का दिखता था। They said, "You're a man not over 50 years old," and said, "You've seen Abraham." उन्होंने कहा तू 50 वर्ष से अधिक का नहीं, और कहता है कि तूने अब्राहम को देखा। He said, "Before Abraham was, I am." उसने कहा इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूँ। Must have looked kind of old because of his work, his human body. समझे, बूढ़ा सा दिखाई पड़ता होगा अपने कार्य के कारण, उसकी मानव देह। And she looked around, she knew he was a Jew. और उसने देखा, वो जान गई कि वो यहूदी था। She said, "Sir, it's not customary for you Jews to ask Samaritans such things as that. We don't have any dealings with one another." बोली, श्रीमान तुम यहूदियों का ये व्यवहार नहीं कि इस प्रकार की चीज मांगो, हम लोग एक दूसरे से कोई व्यवहार नहीं रखते। He said, "Woman, if you knew who you were talking to, you'd ask me for a drink." उसने कहा, स्त्री यदि तू जानती कि तू किससे बात कर रही है तो तू मुझसे पानी मांगती। And I'd bring you, give you water, you don't come here to draw. और मैं तुझे पानी लाकर देता और तुझे भरने के लिए यहाँ आना पड़ता। What was he doing? Contacting her spirit. वो क्या कर रहा था? उसकी आत्मा से संपर्क कर रहा था। देखा? Watch, he's going to declare himself to the Samaritans now. देखिए, अब वो अपने आप को सामरियों पे प्रकट करने जा रहा था। And she said, "Why, you say worship at Jerusalem. We say in this mountain." और उसने कहा, तुम क्यों कहते हो यरूशलेम में आराधना करो, हम कहते हैं इस पहाड़ पर। He said, "The time's coming and now is when you're not in this mountain or at Jerusalem. Worship God, but in the spirit and truth. The Father seeketh such." उसने कहा, समय आता है और अब है जब तुम ना इस पहाड़ पर या यरूशलेम में परमेश्वर की आराधना करोगे, परंतु आत्मा और सच्चाई से, पिता ऐसो ही को ढूंढता है। What was he doing? Catching her spirit. वो क्या कर रहा था? उसकी आत्मा को पकड़ रहा था। And after a while, when he found where her trouble was, how many knows what her trouble was? और थोड़ी देर के पश्चात जब उसने पाया कि उसकी परेशानी कहाँ थी, कितने जानते हैं कि उसकी क्या परेशानी थी? She had 5 husbands and she was living with the 6th one. उसके 5 पति थे और वो 6वें के साथ रह रही थी। So he said, "Woman, go get your husband and come here." इसलिए उसने कहा, स्त्री जाकर अपने पति को यहाँ बुला कर ला। She said, "I don't have any husband." उसने कहा, मेरा कोई पति नहीं है। Said, "That's right. You've got had 5 and the one that you now live with is not yours." कहा, ये ठीक है, तेरे पास 5 थे और जिसके साथ तू अब रह रही है वो भी तेरा नहीं है। She stopped and looked at him. वो रुकी और उसकी ओर देखा। Now she didn't say, "You are Beelzebub, sir. You are a fortune teller." अब उसने ये नहीं कहा कि तू बालजबूल है श्रीमान, तू भविष्य बताने वाला है। She know more about God than half the preachers of Jefferson. वो जेफरसन विले के आधे प्रचारकों से अधिक जानती थी।
वैश्या होने के नाते ये बात ठीक है. She said, "Sir, I perceive that you are a prophet." उसने कहा, श्रीमान, मुझे लगता है कि तू भविष्य वक्ता है. Watch a prophet. And if you run that word back, you'll find it the prophet that Moses spoke would come. भविष्य वक्ता पर ध्यान दे और यदि आप वचन में पीछे जाएंगे तो आपको मिलेगा वो भविष्य वक्ता जिसके लिए मूसा ने कहा था कि वो आएगा. देखा, प्रभु तुम्हारा परमेश्वर मेरे समान एक भविष्यवक्ता उठा खड़ा करेगा. She said, I perceive that you are a prophet. उसने कहा, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है. She knew he didn't know that no other way, couldn't know it. वो जानती थी वो किसी और प्रकार से नहीं जान जाएगा, इसे नहीं जाना जा सकता. Said, I perceive that you are a prophet. कहा, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है. Now, listen here. We, the Samaritans, not Jews now, Samaritans, we know when the Messiah cometh, He'll tell us these things. अब यहाँ सुने, हम सामरी लोग, अब यहूदी नहीं सामरी, हम जानते हैं जब मसीह आएगा वो हमें सारी बातें बता देगा. See what kind of a sign they're looking for? The sign of the Messiah? देखा किस प्रकार के चिन्ह को वो देख रहे थे, मसीह का चिन्ह. When the Messiah cometh, he'll tell us these things, but who are you? जब मसीह आएगा वो हमें ये बातें बताएगा, परंतु तू कौन है? He said, I'm he that speaks to you. उसने कहा, मैं वही हूँ जो तुझसे बोल रहा हूँ. And she dropped her water pot and ran into the city and said, come see a man that told me the things that I've done. Isn't this the Messiah? उसने अपना घड़ा छोड़ा और नगर को दौड़ गई और कहा, आओ एक मनुष्य को देखो, उसने सारी बातें जो मैंने की मुझे बता दी, क्या यही तो मसीह नहीं? If that was the sign of the Messiah then, It's got to be the Messiah sign today. यदि उस समय ये मसीह का चिन्ह था तो ये आज भी मसीह का चिन्ह है. If he is, I remember, not one time was that miracle ever performed before a Gentile. It was forbidden. यदि वो है, अब स्मरण रखें, ये आश्चर्यकर्म अन्य जाति के सामने एक बार भी नहीं किया गया, ये निषेध था. Why? क्यों? The Gentiles had 2,000 years of church olive. अन्य जातियों के पास कलीसियावाद के 2,000 वर्ष थे. But now the end of the Gentile dispensation is here, and Russia, the communist, has a bomb pointed right towards it to end it too. परंतु अब अन्य जातियों का समय यहाँ पर समाप्ति पर है, और रूस साम्यवाद के बमों की दिशा अंत में भी आपकी ओर है. Don't worry, it's coming. चिंता न कीजिए, ये आ रहा है. The Bible said so. बाइबल ऐसा ही कहती है. It'll be here. With your name wrote on it. ये यहाँ पर आपके नाम के साथ लिखा हुआ है. It'll go into powder in 1 second's time, the whole nation. और ये 1 second में धूल बन जाएगा सारा का सारा राष्ट्र. It'll be completely annihilation. ये पूर्णतः भस्म हो जाएगा. Notice, that's God doing that. ध्यान दें, ये परमेश्वर कर रहा है. I know they're a liberty monarch, they're a bunch of heathens, but didn't God raise up heathen nations to straighten out Israel in days gone by? मैं जानता हूँ कि वे स्वतंत्रता के राजा, वे मूर्ति पूजकों के झुंड हैं, परंतु क्या परमेश्वर ने मूर्ति पूजकों को, राष्ट्र को, इसराइल को सीधा करने के लिए नहीं उठाया पिछले बीते दिनों में? The Bible claims that Russia and communism is playing right into the hands of God to absolutely rid the earth out of the people, but before that can take place, the rapture comes and takes the church home. Before that can take place. बाइबल दावा करती है कि रूस और साम्यवाद परमेश्वर के हाथों में है कि इस भूमि के लोगों को पूरी तरह से साफ कर दें, परंतु इससे पहले ये घटित हो, रैप्चर आता है और कलीसिया को घर ले जाता है, इससे पहले कि ये घटित हो. And if that's so close at hand, how close is the rapture? Closer than that. और यदि ये इतना समीप है तो रैप्चर कितना समीप है, इससे भी समीप. So you see while I'm preaching the way I do, while I'm struggling as hard as I can. इसलिए आप देखिए, क्यों मैं इस प्रकार प्रचार करता हूँ, क्यों मैं इतना कड़ा परिश्रम करता हूँ जितना कि कर सकता हूँ. While God is doing everything that he can do to press that into the elect to draw the seed of the woman out so the seed of the serpent can take the punishment. जबकि परमेश्वर सब कुछ जो वो कर सकता है कर रहा है, ताकि चुने हुओं को पहुँचे, ताकि स्त्री के वंश को निकाल लाए, ताकि सर्प वंश को दंड मिले. It's exactly right. It's what he promised to do. ये बिल्कुल ठीक बात है, यही उसने करने की प्रतिज्ञा की है. Now, if Jesus declared himself before the Jew, and before the Samaritan, but them signs, and will let us go without declaring the same sign to us, he's unjust. अब यदि यीशु ने स्वयं को यहूदियों के सम्मुख प्रकट किया है और सामरियों के सामने उन चिन्हों के द्वारा, और हमें बगैर उन्हीं चिन्हों के द्वारा प्रकट हुआ जाने देगा, वो अन्यायी है. If he lets us just get by by say, we're Methodist, we're Baptist, we're Catholic, we're Presbyterian. No, sir. यदि वो
हमें ले और ये कहने के द्वारा हम मेथोडिस्ट हैं, हम बैप्टिस्ट हैं, हम कैथोलिक हैं, हम प्रेस्बिटेरियन हैं, नहीं श्रीमान। He lets us get by with a cold theology. He has to come with signs, wonders, just like he did in the first place, if he is the same yesterday, today and forever. वो हमें ठंडे धर्म ज्ञान से लेगा, उन्हीं चिन्ह चमत्कारों के साथ जैसे पहले आया था और किए थे, यदि वो आज कल और सर्वदा एक सा है। We have arrived at that day. तो हम उस दिन में पहुंच गए हैं। We are here now. अब हम वही हैं। By the Bible, by the witness, by the Spirit, by signs, everything proves that it's here. बाइबल से, गवाहों से, आत्मा से, विज्ञान से, हर चीज सिद्ध करती है कि वो यहाँ है। Oh, I wish I had the strength to push that into the people to let them see it. मेरी इच्छा है, मेरे पास शक्ति होती कि ये लोगों में घुसा दूं कि उन्हें ये दिखाई पड़े। You people here in Jeffersonville are my people. आप जो यहाँ जेफरसन विले के लोग मेरे लोग हैं। I've been raised with you. And I love you. मैं आप लोगों के साथ बड़ा हुआ हूँ और मैं आपसे प्रेम करता हूँ। Don't think me to be a fanatic. मुझे हट धर्मी न समझे। You think these predictions are? Look back at the 37 flood, you people. When you laughed right here at the church and I said there'd be 22 feet over Spring Street 6 months before it happened. आप सोचते हैं कि ये भविष्यवाणियां 37 की बाढ़ को फिर से देखें। आप लोग जब इस कलीसिया पर हंसे थे और मैंने कहा था यहाँ स्प्रिंग सड़क पर 22 फुट ऊपर होने के 6 महीने पहले। Tell me one time that anything was ever said of thus saith the Lord that wasn't exactly the truth. मुझे एक बार भी बताए कोई भी बात जो कही गई यहोवा यूं कहता है ये वाली बात सही निकली कि नहीं। Tell me one thing he's ever said. It's never. It's truth. मुझे एक बात बताएं जो उसने कभी कही हो, कभी नहीं हुआ, वो सत्य है। It still remains the truth. It'll always be the truth. वो आज भी ये सत्य है, और ये सदा सत्य रहेगा। Now we can't bring, I guess these 100 or more people here to be prayed for. We can't bring them all at once. अब हम नहीं ला सकते। मेरा अनुमान है यहाँ पर 100 या अधिक लोग प्रार्थना के लिए हैं। हम सबको एक साथ नहीं ला सकते। हम उतने बुलाते रहेंगे जितने एक बार में आ सकते हैं और उन्हें तब तक लाते रहेंगे जब तक सब यहाँ ना आ जाएं। Now, I'm going to start into, I believe, I wasn't Billy Paul here. अब मैं ये आरंभ करने जा रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ बिली पॉल यहाँ नहीं है। Is he back in there? Tell him to come out here. I want to see what, if he give out. क्या वो पीछे है? कहे कि वो यहाँ आगे आए। मैं देखना चाहता हूँ यदि उसने दिए हैं। Prayer card Q. Look on your prayer card. It's got a Q. 1 to 100. तुमने कौन से प्रार्थना पत्र दिए हैं? क्यू के प्रार्थना पत्र क्यू। अपने प्रार्थना पत्रों पे देखें, इस पर क्यू 1 से 100 तक होगा। Alright. We can't bring them all up at one time, but we can bring just a little at a time until we can get them all up here. ठीक है, हम सबको एक समय में ऊपर नहीं ला सकते, परंतु एक बार में थोड़े थोड़े जब तक हम सबको यहाँ ना ले आए। We want them to come one by one until they're all prayed for. हम चाहते हैं वे एक एक करके आए जब तक सब पर प्रार्थना ना हो जाए। Now look, I want everybody inside and out to think of this and the closing of this meeting. अब देखिए, मैं चाहता हूँ कि हर कोई अंदर और बाहर इसे सोचे और इस सभा के समाप्त होते होते। I'm committing this church over to the pastor, Brother Neville. Committing you to him and him to God. मैं इस कलीसिया को पास्टर नेविल को समर्पित करता हूँ। अब सबको उन्हें समर्पित करता हूँ और उन्हें परमेश्वर को। Brother Neville here, I'll invite all of you back. Brother Neville is a gallant soldier. भाई नेविल यहाँ है, मैं आप सबको जो पीछे हैं निमंत्रण देता हूँ। भाई नेविल एक बहादुर सिपाही हैं। He is a real servant of Christ, a former Methodist preacher, I believe a student from Asbury. वो मसीह के वास्तविक सेवक हैं, पुराने मेथोडिस्ट प्रचारक। मेरा विश्वास है कि एसबरी का एक छात्र। And he's been trained in all the theologians, theological seminary with experience of what they teach. और वो सारे धार्मिक ज्ञान, धार्मिक विद्यालय और अनुभव के साथ जो वे सिखाते हैं प्रशिक्षित किए गए थे। But one day he come to a place where he knew he had to have something different and he crossed the line. परंतु एक दिन वे ऐसे स्थान में आ गए जहां वे जान पाए कि उनके पास कुछ भिन्न होना चाहिए
और उन्होंने रेखा को पार किया। He's a pastor here, a man filled with the Spirit, a real preacher, a real theologian. वे यहाँ पर पास्टर हैं, एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ, एक वास्तविक प्रचारक, एक वास्तविक धर्मज्ञानी। And I ask you, the people of this city and this community, if you have no church and you want to hear the real gospel, come here, Brother Neville. और मैं आपसे इस नगर के लोगों से पूछता हूँ और इस समाज से, यदि आपके पास कोई कलीसिया नहीं है और आप वास्तविक सुसमाचार सुनना चाहते हैं, या भाई नेविल के पास आएं। He stands for the same thing that I do. वे भी उसी के पक्षधर हैं जिसका मैं हूँ। Absolutely, a real gallant soldier. पूर्णतः एक वास्तविक बहादुर सिपाही। We all here love Brother Neville. He's been here with us a long time, and we love him. हम सब भाई नेविल से प्रेम करते हैं। वे यहाँ हमारे साथ लंबे समय से हैं और हम उनसे प्रेम करते हैं। Now, if Jesus Christ, by the Spirit, will return here tonight and do the same things that he did when he was here on earth to the Jew and the Samaritan, if he'll do the same thing to you Gentiles, how many of you will say, I believe him with all my heart and accept it? Right here. अब यदि यीशु मसीह आत्मा के द्वारा आज रात्रि यहाँ वापस आएगा और उन्हीं कार्यों को करेगा जो उसने जब पृथ्वी पर था तब किए थे यहूदी और सामरियों में, तो वही चीज वो आप अन्य जातियों के लिए करेगा। आप में से कितने कहते हैं, मैं उसका पूरे हृदय से विश्वास करूंगा और उसे यहीं स्वीकार करूंगा। ध्यान रखें कि आप कौन सी कलीसिया से संबंधित हैं, उससे कुछ नहीं। You say, do you want me to quit going to Methodist church? No, sir. आप कहते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं मेथोडिस्ट गिरजा जाना छोड़ दूं? नहीं श्रीमान। Baptist? No, sir. Baptist? नहीं श्रीमान। You go anywhere you want to, for God's got children in every one of them churches. आप जहाँ चाहें वहाँ जाएं, क्योंकि परमेश्वर के बालक उन हर कलीसियाओं में हैं। Certainly he has, and you perhaps are one of them. निश्चय ही उसके पास हैं और आप हो सकता है उनमें से एक हूँ। And I love you just the same as you as a member of the Branham Tabernacle. और मैं आपसे वैसे ही प्रेम करता हूँ जैसे ब्रैनम टबरनेकल के सदस्य से। Doesn't make one speck of difference to me. मेरे लिए इसमें कोई भी थोड़ी सी भी भिन्नता ना रखें। You know that by my ministry everywhere. आप मेरी सेवकाई के द्वारा मुझे जानते हैं हर कहीं। I believe God loves his children no matter what kind of a brand they're holding. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर अपने बालकों से प्रेम करता है। इसका कोई मतलब नहीं कि वे किस छाप को पकड़े हुए हैं। It's what you are in your heart. But we just invite you to the fellowship. You're welcome to come. ये वो जो आपके हृदय में है, परंतु हम केवल संगति के लिए निमंत्रण देते हैं। आने के लिए आपका स्वागत है। Now, anyone knows, and you people of Jeffersonville know, after all the many things that's been said and done and predicted, every one of them coming to pass just as perfect as. अब कोई भी जानता है और आप जेफरसन विले के लोग जानते हैं, इसे छोड़ बहुत सी बातें जो कही गई और की गई और पहले से बताई गई, उनमें से प्रत्येक बिल्कुल सही सिद्ध रूप से घटित हो रही है। How many here in Jeffersonville knows that to be the truth? Raise up your hands. It knows around here now. यहाँ जेफरसन विले में कितने लोग जानते हैं कि ये सत्य है? जितने आसपास जानते हैं अपने हाथ खड़ा करें। Now, you people out of town, you see what I mean? अब आप जो नगर से बाहर के लोग हैं, आप समझे मेरा क्या अभी अर्थ है? How many out of towners has ever been in my meetings and see that it happened just exactly the way it said? Raise your hands to the Jeffersonville people. See? कितने नगर से बाहर के हैं जो कभी मेरी सभाओं में थे और देखा बिल्कुल वैसे ही घटित हुआ जैसे कि कहा गया था? अपने हाथ उठाएं कि जेफरसन विले के लोग देखें, समझे? The Bible said in the mouth of two or three witnesses let every word be established. बाइबल ने कहा दो या तीन गवाहों के मुख से हर बात ठहराई जाए। Around the world it's been. सारे संसार में यही है। Then what are we waiting on? तो फिर हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? We've got everything right in our hands by the Lord Jesus. He's given us all things freely. हमारे पास हमारे हाथों में हर चीज है, प्रभु यीशु के द्वारा उसने हमें हर चीज मुफ्त में दी है। Now we'll start the prayer line. And if Jesus Christ will perform here tonight, अब हम प्रार्थना पंक्ति को आरंभ करेंगे और यदि यीशु मसीह आज रात्रि यहाँ करे। Now, how many of you know about the picture of the Lord Jesus, that light? अब कितने आप में से प्रभु यीशु के चित्र को जानते हैं, वो ज्योति? All of you know about it practically. It's in Washington D.C. taken by the best man that Edgar Hoover has had in the past few years, George J. Lacey, on fingerprint and document. अब इस सब के विषय में जानते हैं, व्यवहारिक रूप से ये वॉशिंगटन डीसी में है,
उस बढ़िया व्यक्ति के द्वारा जो पिछले कुछ वर्षों से एडगर हूवर के पास था, जॉर्ज जेलेसी, उंगली छाप के दस्तावेजों के लिए। उसके हस्ताक्षर यहाँ हमारे पास कागज में है, ये वास्तव में। उसने कहा एक बार उसने सोचा कि ये मनोविज्ञान था, मैं लोगों के मस्तिष्क को पढ़ रहा था। उसने कहा परंतु श्रीमान ब्रैनम, यांत्रिक आंख कैमरा मनोविज्ञान को चित्रित नहीं करेगा। प्रकाश लेंसों से टकराया है और ये सब हमारे पास कागजों पर लिखा हुआ है, चित्र के साथ गया है कि प्रकाश लेंसों से टकराया। How many still living when it first appeared before mankind down here on the river when I was baptizing them, hundreds down there that day in a building, raise up your hand. कितने अब भी जीवित हैं जब ये पहले मानव के समक्ष प्रकट हुआ वहाँ नदी पर, जब मैं वहाँ सैकड़ों को बपतिस्मा दे रहा था उस दिन वहाँ, यहाँ भवन में है, हाथ खड़ा करें। Yes, three or four hands still living from years ago down here on the river. When it come down and the message of the Lord came. यहाँ तीन या चार हाथ हैं जो अब भी जीवित हैं, वर्षों पहले वहाँ नदी पर जब वो नीचे आया और प्रभु का संदेश आया। Still just the same. अब भी वैसा ही है। Did it do just what it said there? That the ministry I would be preaching would start a revival around the world just before the second coming of Christ. क्या उसने वही किया जो उसने वहाँ कहा था? ये सेवकाई मैं प्रचार करूँगा, ये समस्त संसार में बेदारी लाएगा मसीह के दूसरे आगमन से पहले। देखिए इसने क्या किया, ये उनके ओरल रॉबर्ट्स के मुख से निकला और ये उन सब के, समझे, और ये समस्त संसार में गया, हर राष्ट्र, हर प्रकार के लोग, भाषा में गया। बेदारी की आग जल रही है, महान चंगाई सभाएं, समझे। Now be ready inside, outside, wherever you are, receive Christ, will you tonight? अब तैयार हो जाएं, अंदर और बाहर जहाँ कहीं भी आप हैं, मसीह को ग्रहण करें। क्या आज रात्रि आप करेंगे? Now from henceforth I commit myself to the Lord Jesus that I might be able to yield myself to the Spirit to only magnify Jesus Christ. अब से आगे मैं अपने आप को प्रभु यीशु को समर्पित करता हूँ ताकि मैं इस योग्य हो सकूं कि स्वयं को आत्मा को दे दूं, केवल यीशु मसीह को बड़ा करूं। Not myself, but Jesus Christ, that these people, my friends, in and out of the city, might know that the gospel that I have preached is absolutely the truth, and Christ is here to vindicate it to be truth by His Word and His Spirit. ना कि स्वयं को, परंतु यीशु मसीह को, ताकि ये लोग, मेरे मित्र इस नगर के अंदर और बाहर जान सकें कि जो सुसमाचार मैंने प्रचार किया है पूर्णतः सत्य है और मसीह यहाँ पर सत्य को सिद्ध करने के लिए है अपने वचन और उसके आत्मा के द्वारा। We'll have to call them just one at a time. So we'll start with number one, queue number one. हमें उन्हें केवल एक बार बुलाना है ताकि हम नंबर एक क्यू से आरम्भ करेंगे। नंबर एक, Who has it? If you can't raise up now, the elders will pack you. किसके पास है ये? यदि आप अभी नहीं खड़े हो सक रहे हैं, एल्डर आपको उठाएंगे। We won't get every one of you. Queue number one. हम आप में से प्रत्येक को लेना चाहते हैं। क्यू नंबर एक, Brother Hickerson, Billy Paul, or wait, Doc's going to help him here. भाई हिकरसन, बिली पॉल, या ठहरे, डॉक उनकी सहायता करने को जा रहे हैं। क्यू नंबर वन, वुड यू रेज अप योर हैंड, एवर हु हैज इट? क्यू नंबर एक, आप अपना हाथ उठाएंगे जिसके पास भी ये है। आर यू श्योर दैट वाज क्यू? ओ आई एम सॉरी, ऑलराइट, कम नॉट अप, शो हिम हाउ टू द आइल देयर। क्यू नंबर वन, ऑलराइट, क्या आपको निश्चय है कि वो क्यू था? ओ मुझे खेद है, ठीक है, यहाँ ऊपर आए, उन्हें गलियारे से होते हुए यहाँ क्यू एक है, ठीक है। नंबर टू, रेज योर हैंड प्लीज। नंबर दो, कृपया अपना हाथ उठाए। ऑलराइट, अ लेडी सिटिंग वे बैक इन हियर। ऑलराइट लेडी, कम मेक योर वे राइट आउट ओवर हियर इफ यू ऑल अ लेटर, द बॉयज आर विल हेल्प यू, द अशर्स एंड सो फोर्थ। ठीक है, एक महिला वहाँ पीछे बैठी है, ठीक है, महिला आप आए यहाँ की ओर से अपना रास्ता बना लें, यदि आप लोग उसे आने दें, लड़के आपकी सहायता करेंगे,
परिचायक और आदि आदि। क्यू नंबर थ्री, रेज अप योर हैंड। क्यू नंबर तीन, अपना हाथ उठाए। नंबर थ्री, वुड यू रेज योर हैंड एवरीवन हैज क्यू नंबर थ्री। नंबर तीन, क्या आप अपना हाथ उठाएंगे जिसके पास क्यू नंबर तीन है? सी इफ दिस लेडी गोइंग हियर इफ शी हैज द कार्ड, यू डोंट हैव इट। देखिए, यदि ये महिला जो जा रही है, यदि इसके पास वो पत्र हो, आपके पास नहीं है। यू कैंट डू दैट। You have to hold it and listen to your instructions. We'll get the baby anyhow. See, you just come when your number's called. The baby can come when it's called. See, sorry. आप ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, आपको ही रखना है और निर्देशों को सुने। जो भी है, हम बालक को लेंगे, समझे? जब आपका नंबर पुकारा जाए, आप तभी आए। बालक तब आएगा जब उसे बुलाया जाएगा, समझे? ये ठीक है। Number one, two. Who has number three? Raise up your hand. Number three, number four. नंबर एक, दो, किसके पास नंबर तीन है? अपना हाथ उठाएं। नंबर तीन, नंबर चार। Now that's mighty lovely of you, sister. Ever who that was, that lady wanted to do that. See? अब ये बहुत ही अच्छा है। बहन वो महिला कौन थी जो ये करना चाहती थी? समझे? But see, if their numbers call, they'll come just as if they're not called, we get them anyhow. See, we want you just in your place, so you can have your place too. You see? परंतु देखिए, यदि उनका नंबर बुलाया जाता है, वे आएंगे ही। यदि वे नहीं बुलाए जाते हैं, हम उन्हें लेंगे, जो भी है, समझे? हम चाहते हैं कि आप अपने स्थान पर ही रहें, ताकि आप भी अपना स्थान ले सकें। आप देखिए, देखिए। All right, number three, number four, number five, cue number five, raise up your way back a young woman. नंबर तीन, नंबर चार, नंबर पांच, क्यू नंबर पांच, अपना हाथ उठाएं। वहाँ पीछे एक युवा महिला। नंबर सिक्स, ऑल राइट, द यंग मैन। नंबर छह, ठीक है, नवयुवक। नंबर सेवन, द मैन राइट हियर। नंबर एट, नंबर सात, ये व्यक्ति यहीं पर है। नंबर आठ, वी हैव टू डू दिस, यू सी, यू कैन't डू इट, यू जस्ट गेट ऑल जैम्ड अप, यू से एवरीबॉडी वांट्स टू बी प्रेड फॉर। हमें ये करना है। देखिए, आप ये नहीं कर सकते। आप यहाँ भीड़ लगा देंगे। आप कहेंगे हर कोई प्रार्थना करवाना चाहता है। Let me show you something. If you don't see why we have to line them up, everybody in here would like to come up, be prayed for, raise up your hands. Everybody, no matter who you are. मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। यदि आप देखना चाहते हैं कि क्यों हम पंक्ति बनवाते हैं, यहाँ पर हर कोई ऊपर आकर प्रार्थना करवाना चाहता है। अपने हाथ उठाएं, हर कोई। इससे कोई मतलब नहीं कि आप कौन हैं। Look at there. वहाँ देखें। Who's going to come first? See, there has to be somebody. कौन पहले आने वाला है? देखिए, कोई तो है। Billy comes down here, takes these cards and mixes them all up before you, and he gives anybody a prayer card that wants one. Billy यहाँ कर प्रार्थना पत्रों को लेकर और इन सब को आपके सामने मिला देगा, और वो किसी को भी प्रार्थना पत्र देगा जो भी एक चाहता हो। You might get five, six, and sometimes we start somewhere else, and it don't make any difference where we. आप पांच, छह पा सकते हैं, और कभी-कभी हम कहीं से भी आरंभ करते हैं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं। और वे वहाँ सभा में वास्तव में कभी कभी इस मंच पर आने से पहले चंगे हो जाते हैं। How many knows that, both strangers and... कितने ये जानते हैं कि वे दोनों अपरिचित हैं? Sure. Has nothing to do with it. निश्चय, इससे कुछ नहीं होता। नंबर सिक्स, that one come. नंबर सेवन, नंबर छह, वो आ गया। नंबर सात, नंबर एट, Who has prayer card eight? नंबर आठ, किसके पास प्रार्थना पत्र आठ है? Already got it. Number nine? पहले ही है। नंबर नौ, eight. Number eight, we want you to get it now. Maybe somebody outside, if they are somebody, raise your hand or somebody outside couldn't get in. आठ, नंबर आठ, हम चाहते हैं कि आप ले लें। हो सकता है कोई बाहर, यदि वे कोई उनका हाथ उठाए, या कोई बाहर है जो अंदर नहीं आ सकता। नंबर एट, Brother Collins, is there anybody back there, prayer card number eight, trying to get in? Number eight, भाई Collins, क्या कोई पीछे है? प्रार्थना पत्र number eight, अंदर आने का यत्न कर रहा है? All right, prayer card number eight. ठीक है, प्रार्थना पत्र number eight. All right, number nine. ठीक है, number nine. Prayer card nine, raise up your hand. प्रार्थना पत्र नौ, अपना हाथ उठाएं. Maybe they went out, couldn't get in. If they come in, put them in the line. हो सकता है वे बाहर चले गए, अंदर नहीं आ सकते। यदि वे अंदर आए तो उन्हें पंक्ति में कर लें। नंबर 10, raise up your hand. नंबर 10, अपना हाथ उठाएं। The man way back in the back, come sir, glad to see you called in. You're standing back there, limbs cramping. वो पीछे, वो व्यक्ति, आइए श्रीमान, आपको अंदर बुलाते हुए प्रसन्नता है। आप वहाँ पीछे खड़े हुए थे, हाथ ऐंठे हुए हैं। नंबर 10, नंबर 11. नंबर 10, नंबर 11. Raise up your hand, everyone has prayer card.
Q number 11? अपना हाथ उठाएं, किसके पास प्रार्थना पत्र नंबर Q 11 है? Q number 12? ठीक है, 11, 12, Q number 12? Wait. All right, 12, 13? 13, just raise up your hand, please, so I can see. ठीक है, 12, 13? कृपया 13 अपना हाथ उठाए ताकि मैं देख सकूं. Prayer card 13, Q13? प्रार्थना पत्र 13, Q13? 14? 14? 14? 14? 15? 15? How many cards you give out, Billy? 100? बिली, तुमने कितने पत्र बांटे हैं? 100? 13, 14, and 15 is missing. 13, 14, 15 नहीं है. Prayer card 13, 14, and 15. Are you here? प्रार्थना पत्र 13, 14, और 15. क्या आप लोग यहाँ नहीं है? 15, 16, 17, 18, 19, 20. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Q first, then to get J, and then just go on down the line. I think they're trying to get these two first. Q पहले, फिर J पर, और तब लाइन में नीचे चलेंगे. मैं सोचता हूँ वे इन्हें लेने का यत्न कर रहे हैं. पहले देखिए. If we call that, we're getting to the others just as we come. जब हम इन्हें बुला लें, हम दूसरों को लेंगे जैसे कि हम आते हैं. I say. क्या कहा? That's it. You see, we give the cards out this morning, and the people didn't get back. Maybe. यही है. आपने देखा? हमने कार्ड दिए हैं इस प्रातः और लोग वापस नहीं जाते. हो सकता है. समझे? All right. Let's start on that little. You're just about level with your line there now. ठीक है. हम इस छोटे से ही आरंभ करें. कैसे? आप अपनी लाइन में लगे रहें. All right. Now, who has 15, 16, 17, 18, 19, and 20 in queues? ठीक है. अब किसके पास क्यू में 15, 16, 17, 18, 19, 20 है? 21, 22, 23, 24, 25. Just be ready. Just as soon as this door, we got a line full here now. 21, 22, 23, 24, 25. अब तैयार हो जाएं. जैसे ही ये पूरा हो जाए, अब यहाँ हमारी ये पंक्ति पूरी हो गई है. Then we'll come right to them. Go right on down the line and jump right into the rest of the cards, the J's where we left off, and right on down till we get the end of them out. और तब हम उनके पास आएंगे और पंक्ति में आगे बढ़ेंगे. तब बाकी बचे हुए पत्रों को लेंगे, जे जहाँ से हमने छोड़ा था, और फिर अंत तक पूरा करेंगे. Now, just be real reverent for a few moments. अब कुछ क्षणों के लिए पूर्ण भक्ति भाव में रहें. Now, I wish we had seating room. अब मेरी इच्छा है कि हमारे पास बैठने का स्थान होता. I wish there was some way that I could do that, but we haven't got it. मेरी इच्छा है कि हमारे पास कोई विधि होती कि मैं ये कर सकता, परंतु हमारे पास है नहीं. But, now I want you to be just as reverent. परंतु मैं चाहता हूँ कि आप जैसे हैं भक्ति भाव में हैं. Now it's early yet. It's 10 minutes till 9. ये अब भी जल्दी है. 9 बजने में 10 मिनट हैं. The service will be out another half hour. So this is a closing of the service. अगले आधे घंटे में सभा समाप्त हो जाएगी, इसलिए ये सभा का समापन है. And so now be real reverent. Be real quiet. Don't move around. और इसलिए अब वास्तविक भक्ति भाव में रहें और बहुत शांत रहें, इधर उधर ना घूमें. And how many in here does not have a prayer card and yet you want to be prayed for? Raise up your hand. और यहाँ पर कितने हैं जिनके पास प्रार्थना पत्र नहीं है और तो भी आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं? अपने हाथ उठाएं. Well, they're just everywhere. भाई, ये तो चारों ओर हैं. Now, if you don't have a prayer card, I want to give you some scripture. अब यदि आपके पास प्रार्थना पत्र नहीं है, मैं आपको कुछ वचन देना चाहता हूँ. One time our Lord was going over to raise up a little dead girl, which wasn't dead yet. एक बार हमारा प्रभु एक मृत छोटी लड़की को जीवित करने जा रहे थे जो अभी मरी नहीं थी. Zacchaeus's daughter. याइर की पुत्री. And a woman said in her heart, I believe him to be a holy man. I believe him to be the Messiah. और एक स्त्री ने अपने हृदय में कहा, मैं उसका विश्वास करती हूँ कि वो पवित्र मनुष्य है, मैं उसका मसीह होने का विश्वास करती हूँ. And she had a blood issue for many years, and she slipped through the crowd and touched his garment. और उसको कई वर्षों से लहू जाने का रोग था, और वो भीड़ में घुस गई और उसका वस्त्र छुआ. Ever read the story? कभी ये कहानी पढ़ी है? And Jesus stopped and said, "Who touched me?" और यीशु रुका, बोला, किसने मुझे छुआ? And Peter rebuked him and said, "Well, all of them is touching you. Why do you say who touched me?" और पत्रस ने उसे डांटा, उसने कहा, अरे सब कोई तुझे छू रहे हैं और तू क्यों कहता है कि मुझे किसने छुआ? He said, I have gotten weak. Virtue, strength has gone from me. उसने कहा, मैं कमजोर हुआ, सामर्थ्य शक्ति मुझ में से निकली. See what it does to you?
देखिए इससे आपको क्या होता है. विजन. आई हैव गॉटन वीक. स्ट्रेंथ इज गॉन फ्रॉम मी. दर्शन. मैं दुर्बल हुआ, मुझ में से शक्ति निकली. एंड ही लुक्ड अराउंड ओवर द ऑडियंस अंटिल ही फाउंड द वुमन. उसने चारों ओर सभा की ओर देखा जब तक कि उसने महिला को ढूंढ नहीं लिया. She was scared. She thought she'd done something wrong. वो डर गई थी, उसने सोचा उसने कुछ गलत कर दिया. But he looked at her and he told her about her blood issue and said, "Thy faith has saved thee." परंतु उसने उसकी ओर देखा और उसने उसके लहू जाने के विषय में बताया और कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया. How many knows that's the truth? कितने जानते हैं कि ये सत्य है. Now to you Bible scholars, does the Bible say that Jesus Christ right now is a high priest, our high priest, that can be touched by the feeling of our infirmities? How many knows that? अब आप बाइबल के ज्ञाता हो, क्या बाइबल ये कहती है? यीशु मसीह इस समय एक महायाजक है, हमारा महायाजक, जिसे कि हम अपनी दुर्बलता की भावनाओं से छू सकते हैं. कितने ये जानते हैं? Well, if he is a high priest now that can be touched by the feeling of our infirmities, how would he act if he's the same yesterday, today, and forever? यदि वो महायाजक है, तो वो अब भी हमारी दुर्बलताओं की भावनाओं से छुआ जा सकता है. वो कैसे कार्य करेगा यदि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है? He'd have to act the same way he did then. Is that right? उसे उसी प्रकार कार्य करना है जैसे तब किया था. क्या ये ठीक है? Well, now he hasn't got a corporal body now, for this is the right hand of God. अब उसके पास शारीरिक देह नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर के दाहिने हाथ पर है. But he has our bodies that he works through, and it's his spirit working through us, like he said it was. परंतु उसके पास हमारे शरीर हैं, जिसमें होकर वो कार्य करता है, और उसका आत्मा है जो हमारे द्वारा कार्य कर रहा है, जैसे कि उसने कहा था. I'll be with you in you. The works that I do shall you also. More than this shall you do. More. For I go to the Father. मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, तुम में. जो कार्य मैं करता हूँ तुम भी करोगे, तुम इससे भी अधिक करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ. He'd stand in our place. See? But he would anoint us with the Spirit. वो हमारे स्थान में खड़ा होगा, समझे? परंतु वो हमें अपने आत्मा से अभिषेक करेगा. Now you out there in the audience, you just look this way and just don't look at me as Brother Branham. अब आप जो यहाँ सभा में हैं, आप केवल इस ओर देखें और मुझे ऐसे ना देखें जैसे भाई ब्रैनम. You just say, Lord Jesus, you're a high priest and you're in this building, and I want to touch you with my infirmities. आप कहें, प्रभु यीशु, आप महायाजक हैं और आप इस भवन में हैं, और मैं आपको अपनी दुर्बलता के साथ छूना चाहता हूँ. Telling you I'm sick, and you confirm it with me, and just let Brother Branham turn around like. By your spirit, and tell me like you told that woman. That'll settle it. आपको बता रहा हूँ कि मैं बीमार हूँ, और आप इसे मेरे साथ प्रमाणित करें, और जैसे भाई ब्रैनम आपके आत्मा के द्वारा ऐसे घूमे और मुझे वैसे ही बताएं जैसे आपने उस स्त्री को बताया, ये तय कर देगा. I challenge your faith in the name of the Lord to do that. मैं आपके विश्वास को प्रभु के नाम में ये करने के लिए चुनौती देता हूँ. Now see if it's right or not. अब देखिए यदि ये ठीक है कि नहीं. You ask God that and see if it comes out just that way. आप परमेश्वर से ये मांगे यदि ये इस प्रकार होता है या नहीं. I'll be just real reverent. अब वास्तविक भक्ति भाव में रहें. Now you can bring your patients or is this the man, all right? अब आप अपने रोगियों को ला सकते हैं, या ये क्या मनुष्य ठीक है? First thing in the line, this part of the line. पहली बात पंक्ति में, पंक्ति के इस भाग. There's a lot of people in here. We try to keep the people away, the Jeffersonville people. Just let the out-of-town people who are pressing to get in. यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं. हम लोगों को दूर रखना चाहते हैं, जेफरसनविले के लोगों को. केवल नगर के बाहर के लोग अंदर आने का यत्न कर रहे हैं. Because in this kind of a line, if the persons was from here around Jeffersonville, they'd say, "Well, Brother Branham knows them people. Sure, that's what it is." क्योंकि इस प्रकार की पंक्ति में यदि लोग यहाँ से होंगे, जेफरसन विले के आसपास से, वे कहेंगे, क्यों भाई ब्रैनम इन लोगों को जानते हैं, निश्चय ही ये बात है. But of course they've never been in African, Indian, Asian, Europe and all around the world and other places. परंतु व्यवहारिक रूप में ये कभी भी अफ्रीका और भारत में और एशिया और यूरोप में और समस्त संसार के दूसरे स्थानों में नहीं थे. But
परंतु मैं ये नहीं जानता, मैं विश्वास करता हूँ अब ये सारे लोग जो यहाँ पंक्ति में हैं, मेरी ओर अपरिचितों के समान मुझे देख रहे हैं। Are you all strangers to me? Just raise up your hands if you are. All right, that's good. क्या आप मेरे लिए अपरिचित हैं? यदि आप हैं तो अपने हाथ ऊपर उठाएं। ठीक है, ये अच्छा है। How many out in the audience are strangers to me? Or you know, I don't know what's wrong with you. Just anybody, don't matter who it is. यहाँ सभा में मेरे लिए कितने अपरिचित हैं? या आप जानते हैं कि मैं नहीं जानता कि आपके साथ क्या परेशानी है? कोई भी, कोई मतलब नहीं वो कौन है। But he does. निश्चय ही आप नहीं देखते, परंतु वो देखता है। Now, I don't say that he will, but if he will, then that makes him present right here. अब मैं नहीं कहता कि वो करेगा, परंतु यदि वो चाहेगा तो उसे ठीक यहाँ पर उपस्थित करेगा। Now, this man here, I believe, raised his hand that he and I were strangers to each other. अब ये व्यक्ति यहाँ है, मैं विश्वास करता हूँ कि उसने हाथ उठाया है कि वो और मैं एक दूसरे के लिए अपरिचित हैं। We are strangers. I've never seen the man in my life. हम लोग अपरिचित हैं। मैंने इस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी नहीं देखा। He never saw me in his life till just now. मैंने उसने मुझे अपने जीवन में कभी नहीं देखा अब इस समय से पहले। We come into the building. We've seen each other now for our first time. हम भवन में आए और हमने अब एक दूसरे को देखा, हमारा पहला अवसर है। Now here is a perfect picture of Philip going getting Nathaniel and Nathaniel coming before Jesus. यहाँ पर फिलिपुस का सही चित्रण है कि जाकर नतेल को लाया और नतेल यीशु के सामने आ रहा है। Now, not that he's Nathaniel or me, Jesus. अब ये नहीं है कि ये नतेल या मैं यीशु हूँ। Now, don't think that. अब ये ना सोचें। But it's years later by a promise that was made then. परंतु ये वर्षों पश्चात प्रतिज्ञा के द्वारा जो अब तक की गई थी। And here's two men that's never met in life just like them two men were then. और यहाँ दो मनुष्य हैं जो कभी भी अपने जीवन में नहीं मिले जैसे कि उस समय दो मनुष्य थे। And if Jesus remains the same, he can yield his spirit to faith and I can yield my spirit to faith to Christ by a divine gift of the Holy Ghost that can perform the same miracle. और यदि यीशु एक सा बना रहता है वो अपना आत्मा विश्वास पर उंडेल सकता है और मैं अपनी आत्मा विश्वास पर देता हूँ मसीह को पवित्र आत्मा के दिव्य वरदान के द्वारा और वही आश्चर्यक्रम हो सकता है। Is that right? क्या ये ठीक बात है? And it's supernatural. और ये अलौकिक है। Say it, a miracle. कहें एक और आश्चर्यक्रम। Well, how would I know it if I've never seen? भाई मैं इसे कैसे जान सकता हूँ यदि मैंने इसे कभी नहीं देखा। Here's my hands. We've never met before. Here we stand for the first time. यहाँ मेरा हाथ है, हम पहले कभी नहीं मिले, हम यहाँ पर पहली बार खड़े हैं। God knows him, I don't. परमेश्वर उसे जानता है, मैं नहीं। Now, remember, be praying for me. अब ध्यान रखें, मेरे लिए प्रार्थना में रहें। Now, sometimes in these times, the spirit annoyance has been doing it so much now, till it's kind of a, well, I just want you to sit still. अब कभी कभी इस समय में आत्मा अभिषेक करता है, अब इतना कुछ कर रहा है जब तक कि एक प्रकार से ठीक है, मैं केवल ये चाहता हूँ कि आप शांत बैठें। Be real reverent, watch, be in prayer. वास्तविक भक्ति भाव में रहें, देखें, प्रार्थना में रहें। Now, I just want you, sir, not knowing you, but you're here for some reason. I don't know. अब श्रीमान, मैं केवल आपको चाहता हूँ, आपको नहीं जानता, परंतु आप यहाँ किस कारण से हैं, मैं नहीं जानता। But whatever it is, and the Lord Jesus will tell me what you want of him without you telling me, that would make him just what I said he was, the same yesterday, today, and forever. परंतु ये जो भी है आपके बगैर बताए प्रभु यीशु मुझे बताएगा कि आप उससे क्या चाहते हैं, और ये उसे वो बना देगा जो मैंने आपसे कहा कि वो कल आज और सर्वदा एक सा है। Do you believe that? आप ये विश्वास करते हैं? All right. He believes that. ठीक है, ये विश्वास करता है। And now, the audience believes that. और अब ये सभा विश्वास करती है। And the Lord has said he would do it in his Bible. और प्रभु ने कहा वो इसे करेगा अपनी बाइबल में। Now here's where I'm found either telling the truth with God's Bible or the Bible's promised something that it can't stand behind or I'm a hypocrite. One or the other. See? That's right. अब यहाँ जहाँ मैंने पाया या तो परमेश्वर की बाइबल के साथ सत्य बताऊं या बाइबल ने कुछ प्रतिज्ञा की है जो कि ये पूरी नहीं कर सकती, या मैं एक ढोंगी हूँ, ये या वो, समझे?
ये ठीक बात है। See where you put yourself? देखिए आप स्वयं को कहाँ रखते हैं। I did that before many, many thousands of people, critics and all. मैंने ये हजारों हजार लोगों की आलोचना के सामने किया है। But I know that he promises and he keeps his promise. परंतु मैं जानता हूँ कि वो प्रतिज्ञा करता है और वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। I see it begins right here now. अब मैं इसे यहाँ आरंभ होते हुए देखता हूँ। I see people around you on the platforms and outside meetings. We never have nobody around. See, there's sick people here. Just as soon as it starts, you can feel it. मैं आपके चारों ओर मंचों पर लोगों को देखता हूँ और बाहर सभा के हमारे पास कभी भी कोई चारों ओर नहीं था, समझे? यहाँ बीमार लोग हैं। जैसे ही ये आरंभ होता है आप इसे अनुभव कर सकते हैं। It's the Holy Spirit. Be real, Reverend. Now, just Reverend, now as we can speak. ये पवित्र आत्मा है, अब वास्तविक भक्ति भाव में रहें। बस अब आदरपूर्ण जितना हम कह सकते हैं। Yes, sir. The Lord Jesus loves both of us, for we are two men to which he died for. जी हाँ श्रीमान, प्रभु यीशु हम दोनों से प्रेम करता है क्योंकि हम दो मनुष्य हैं जिनके लिए वो मरा। In our first time meeting, if you're in need, God is able to supply that need because he promised he would. और हमारी पहली बार की भेंट, यदि आप आवश्यकता में हैं, परमेश्वर उस आवश्यकता को पूरा कर सकता है क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की है कि वो करेगा। But now the man, if honest in his heart, he's aware that something's going on. परंतु यदि मनुष्य अपने हृदय में निष्ठावान है तो वो जानता है कि कुछ घटित हो रहा है। He can't just exactly think what it is. वो सही नहीं सोच सकता कि ये क्या है। But that angel that you see on the picture is coming near and near to the man, and he's fading away from him. परंतु वो स्वर्गदूत जिसे आप चित्र में देखते हैं इस मनुष्य के पास और पास आ रहा है और वो मुझसे ओझल हो रहा है। And the man is suffering with the heart trouble, and he has diabetes. और ये व्यक्ति हृदय के रोग से पीड़ित है और इसे मधुमेह है। That's right. That's thus saith the Spirit. ये ठीक बात है, ये आत्मा यूं कहता है, है। That's right, raise up your hand. यदि ये ठीक है तो अपना हाथ उठाएं। Now if I'd never seen you, how would I know anything about you? अब यदि मैंने आपको कभी नहीं देखा तो मैं आपके विषय में कोई बात कैसे जान सकता हूँ? Some way, the same way he knew there. Is that right? That's right. किसी तरह उसी प्रकार से उसने वहाँ जाना, क्या ये ठीक है? Does the audience believe that? क्या सभा इसका विश्वास करती है? Now, why not just take our time just a little bit so you see that it just wasn't a guess something? क्यों ना हम अपना थोड़ा सा समय लें ताकि आप देख सकें कि कुछ अनुमान लगाना नहीं है ये। Let's take something else and just see if the Holy Spirit would reveal something else to us. अब हम कुछ और लें और थोड़ा देखें यदि पवित्र आत्मा हम पर कुछ और प्रकट करे। Let's just talk to the man standing there just a minute. चलिए इस मनुष्य से जो यहाँ खड़ा है थोड़ी सी बात करें, एक मिनट। Maybe there's something else in his life. Maybe something else wrong with him. I don't know. हो सकता है इसके जीवन में कुछ और हो, हो सकता है उसके साथ कुछ और गड़बड़ी हो, मैं नहीं जानता। I really don't know what I said. I'd have to see it on the recorder here. Garcia, it's a vision. You see where he was at. वास्तव में मैं नहीं जानता कि मैंने क्या कहा, मुझे यहाँ इस लेखे में देखना पड़ेगा क्योंकि देखिए ये दर्शन है, आप देखिए ये कहाँ पर था। Yes, I see it now. It's something about his blood. It's sugar. Yes, diabetes. हाँ, अब मैं इसे देखता हूँ, ये कुछ इसके लहू के विषय में है, ये मधु, जी हाँ ये मधुमेह है। He's got sugar diabetes. It has developed to a heart trouble which has caused a nervous heart. इसे मधुमेह है और ये हृदय रोग में बढ़ गई जो कि हृदय के डर का कारण है। He's had that for some time. कभी कभी ये इसे होता है। And he's not from this city, but he's from Indiana. From a place near a place called like Borden. You, I see Borden. You're from Borden. That's thus saith the Lord. और ये इस नगर से नहीं है परंतु ये इंडियाना से, उस स्थान के पास से जो बॉर्डन कहलाता है, वहाँ से है। मैं बॉर्डन देखता हूँ, आप बॉर्डन से हैं, ये यहोवा यूं कहता है, यही है। And there's something wrong in your life.
और आपके जीवन में कुछ गड़बड़ी है। Here's another thing. I see a woman appearing here in the vision because you're in it's your wife and she needs some healing. यहाँ पर ये दूसरी चीज है, मैं यहाँ दर्शन में एक स्त्री को प्रकट होते हुए देखता हूँ क्योंकि आप ये आपकी पत्नी है और उसे किसी चंगाई की आवश्यकता है। And she suffers with some kind of a coughing. It's asthmatic. She has. और वो एक प्रकार की खांसी से पीड़ित है, ये उसे दमा है। And you have something wrong in your life that you've been trying to do. और आपके जीवन में भी कुछ गड़बड़ी है जिसके लिए आप यत्न कर रहे हैं। By faith you're Pentecostal. Because you see at a Pentecostal meeting where they're shouting and clapping their hands. विश्वास से आप पेंटिकॉस्टल हैं, क्योंकि आप देखिए एक पेंटिकॉस्टल सभा में जहां वे चिल्ला रहे हैं और अपने हाथों से तालियां बजा रहे हैं। And you're trying to lay down, you smoke. That's what you're trying to get rid of, smoking cigarettes. और आप छोड़ने का यत्न कर रहे हैं, आप धूम्रपान करते हैं, आप इसी से पीछा छुड़ाने का यत्न कर रहे हैं, सिगरेट पीने से। Exactly right. That's thus saith the Lord. ये बिल्कुल ठीक बात है, ये यहोवा यूं कहता है, है। That's the truth, isn't it? You believe he is here now present? ये सत्य है कि नहीं? निश्चय ही। ये समझे, क्या आप विश्वास करते हैं कि अब वो यहाँ पर उपस्थित है? Are you ready to accept your healing? क्या आप अपनी चंगाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? Let's bow our heads. आइए हम अपने सिर को झुकाएं। Lord God, who raised up Jesus Christ, who is present now? प्रभु परमेश्वर जिसने यीशु मसीह को जिलाया, जो अब उपस्थित है। This man, Lord, who is here for the blessings of God to rest upon him, we pray that you will give him the desire of his heart. In the name of Jesus Christ, amen. प्रभु ये मनुष्य यहाँ जो कि परमेश्वर की आशीषों के लिए कि उस पर ठहरे उपस्थित है, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उसके हृदय की इच्छा को प्रदान करेंगे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Return to your home, find it just as you have believed. That's where it's going to be. अपने घर वापस जाएं और जैसा आपने विश्वास किया है वैसा ही पाएं, उसी प्रकार से ये होगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Do you believe? क्या आप विश्वास करते हैं? The Almighty God, who wrote this Bible, whose Spirit is present, know that I've never seen the man in my life knowingly till this very minute. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने ये बाइबल लिखी, जिसका आत्मा यहाँ पर उपस्थित है, ये जानता है कि मैंने इस मनुष्य को अपने जीवन में जानते हुए कभी नहीं देखा इस मिनट तक। I know one thing. The Holy Spirit is right here. परंतु मैं एक बात जानता हूँ कि पवित्र आत्मा यहाँ पर है। I don't know what he'll do, but I know that he is here. मैं नहीं जानता कि वो क्या करेगा, परंतु मैं जानता हूँ कि वो यहाँ पर है। Is this the lady? All right. क्या ये वही महिला है? ठीक है। Are we strangers to each other? क्या हम एक दूसरे के लिए अपरिचित हैं? आपने मुझे एक सभा में देखा है, परंतु मैं आपको नहीं जानता, ये ठीक बात है। All right. Then you're here for some purpose. ठीक है, तो फिर आप यहाँ किसी उद्देश्य से हैं। Now the woman might be here. She may be a Christian. She may not. अब ये महिला यहाँ हो सकती है, ये मसीह भी हो सकती है या नहीं भी। She may be a critic. If she is, just watch what happens. ये आलोचक भी हो सकती है, यदि ये है, देखिए कि क्या होता है, समझे? And I don't know what she's for. और मैं नहीं जानता कि वो यहाँ किस लिए है। My mother's sitting somewhere in a building, an aged woman. मेरी माँ यहीं कहीं भवन में बैठी हुई है, एक अधिक आयु की महिला। But you think I'd try to harm that poor thing? क्या आप सोचते हैं कि मैं उस बेचारी को नुकसान पहुंचाने का यत्न करता हूँ? You think I'd come to her as a deceiver? आप सोचते हैं कि मैं उसके पास एक धोखेबाज के समान आऊंगा? Certainly wouldn't. निश्चय ही मैं नहीं आऊंगा। I'd rather just walk off the platform and go home. बल्कि इससे तो मैं मंच छोड़कर और घर चला जाऊं। I don't preach the message. But that's not all goes with the message. मैंने सुसमाचार प्रचार किया है, परंतु ये सब संदेश के साथ नहीं चलेगा। Christ is the same yesterday, today and forever. मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। Don't care what the world says about it, we got to stand for it anyhow. God said do it. चिंता नहीं कि संसार इस विषय में क्या कहता है, हमें इसके पक्ष में खड़ा होना है, चाहे जो हो, परमेश्वर ने कहा इसे करो। Not knowing you, and of course you're sitting in a meeting perhaps where there's hundreds and hundreds of people. I'd have no way of knowing you. आपको नहीं जानता, ये सही है कि आप सभा में बैठी थी, हो सकता है जहाँ पर सैकड़ों सैकड़ों लोग हों, मेरे पास आपको जानने की कोई विधि नहीं थी। But here's a picture now of St. John 4, a man and a woman meeting for the first time, our Lord and the woman of Samaria meeting again.
परंतु यहाँ अब वो यूहन्ना 4 का चित्र है, एक पुरुष और एक स्त्री पहली बार भेंट कर रहे हैं, हमारा प्रभु और सामरी स्त्री फिर मिल रहे हैं। Now, they talked. He contacted her spirit, knew what was wrong with her, and told her, and she recognized him to be the Messiah. अब उन्होंने बात की, उसने उसकी आत्मा से संपर्क किया और जाना कि उसके साथ क्या गड़बड़ी है और उसे बताया और उसने उसे पहचान लिया कि ये मसीह है। Would you do the same thing? क्या आप भी वही काम करेंगी? You would. आप करेंगी? Will the audience do the same thing, every woman out there? क्या सभा भी यही कार्य करेगी, हर महिला जो यहाँ है? May God grant it. परमेश्वर इसे ग्रहण करे। Yes, the woman is suffering with a nervous condition. जी हाँ, ये महिला अधीरता की स्थिति से पीड़ित है। She's had that for a long time. Many years back. ये इसे बहुत समय पहले से है, बहुत वर्षों से। In Syria as a young woman. But that's not the main thing she wants me to pray for. मैं अभी इसे एक नवयुवती के समान देख सकता हूँ, परंतु ये विशेष नहीं है जिसके लिए वो प्रार्थना करवाना चाहती है। It's arthritis. That's crippled her up. That's what you want me to pray for. ये जोड़ों का दर्द है जिसने इसे पंगु कर दिया है, यही है जिसके लिए आप मुझसे प्रार्थना करवाना चाहती हैं। How do you believe? अब क्या आप विश्वास करती हैं? Let's talk to her a little more. अब हम इससे थोड़ी सी और बात करें। May the Holy Ghost grant this. हो सकता है पवित्र आत्मा इसे प्रदान करे। The woman is actually of a foreign ascent. वास्तव में ये महिला एक विदेशी आरोही है। Her name's Hansen. That's true. इसका नाम हैंसन है, ये सत्य है। Norwegian or Swedish one? नॉर्वेजियन या स्वीडन की एक। You're not from this city. You're from a place called Canton. आप इस नगर से नहीं हैं, आप एक स्थान से जो कैंटन कहलाता है वहाँ से हैं। And that's in a great country where there's a lot of wheat. It's Minnesota. और ये एक बड़ा गांव है जहाँ पर बहुत सा गेहूँ होता है और ये मिनेसोटा है। That's where you're from. That's true. आप यहीं से हैं, ये सत्य है। Now go back home, you're healed. Jesus Christ makes you well. अब आप घर वापस जाइए, आप चंगी हो गई हैं, यीशु मसीह ने आपको चंगा कर दिया। Tell the people what good things the Lord has done to you. लोगों को बताएं कि प्रभु ने आपके साथ कितना अच्छा कार्य किया है। I do suppose that we are strangers to one another. मैं समझता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए अपरिचित हैं। I don't know you. No, but the Lord does know you. मैं आपको नहीं जानता माता जी, परंतु प्रभु आपको जानता है। You're here for some purpose. I do not know. आप यहाँ किस उद्देश्य से हैं, मैं नहीं जानता। But if the Lord Jesus will reveal to me what you're here for, you'll know where that's the truth. परंतु यदि प्रभु यीशु मुझे बता देगा कि आप यहाँ पर किस लिए हैं, तो आप जान जाएंगी कि ये सत्य है। If I come here and said, you're sick woman, sure you stand in the prayer line. That shows you. यदि मैं आकर यहाँ ये कहता कि आप रोगी महिला हैं, तो निश्चय ही आप प्रार्थना पंक्ति में खड़ी होती हैं। ये यही दर्शाता है। Your examination shows that you got something wrong with the liver. आपका परीक्षण ये दर्शाता है कि आपके कलेजे में कुछ गड़बड़ी है। He said it was cirrhosis. That's right. उसने कहा ये सूत्रण रोग है, ये ठीक है। Just talk to her a minute. एक मिनट इससे बात करूं। Just do you believe that the Lord Jesus that talked to the woman at the well is the same Jesus today? केवल क्या आप विश्वास करती हैं कि वो प्रभु यीशु जिसने कुएं पर उस स्त्री से बातें की आज भी वैसा ही है? आप करती हैं? I've seen that I have a fine spirit. प्रतीत होता है कि आप में एक अच्छी आत्मा है। You're not from here. You come from the east. Ohio. आप यहाँ से नहीं हैं, आप पूर्व से आई हैं, ओहायो से। Right. They know how to come here. That's right. ये ठीक है, डेटन ओहायो से यहाँ आने के लिए, ये ठीक है। I see you're praying for somebody else. That's a boy. He's got heart trouble. He has ulcers also, a nervous type of boy. That's right. मैं देखता हूँ आप किसी और के लिए प्रार्थना कर रही हैं। वो एक लड़का है, उसे हृदय रोग है, उसे फोड़ा भी है, एक अधीर किस्म का लड़का है, ये ठीक है। And you're praying for his soul because he's unsaved. That's thus saith the Lord. और आप उसके प्राण के लिए प्रार्थना कर रही हैं क्योंकि वो बचा हुआ नहीं है, ये यहोवा यूं कहता है। That's true, isn't it? ये सत्य है कि नहीं? You're healed. Go on back.
आप ठीक हो गई, वापस जाएं, उसे बताएं, हिम्मत रखें, यीशु मसीह। नॉट नोइंग यू लेडी, नॉट नोइंग यू, गॉड डज नो यू। महिला, मैं आपको नहीं जानता, नहीं जानता, परमेश्वर आपको जानता है। इफ गॉड विल टेल मी व्हाट्स योर ट्रबल, यू बिलीव मी टू बी हिज सर्वेंट, जस्ट विंडिकेटिंग हिम। यदि परमेश्वर मुझे बता दे कि आपकी क्या परेशानी है, तो क्या आप विश्वास करेंगी कि मैं उसका दास हूँ, केवल उसे सिद्ध कर रहा हूँ। See, what I want to do is get these people coming up the prayer line to see that he's here. देखिए, मैं क्या करना चाहता हूँ कि इन लोगों को जो ऊपर आ रहे हैं इस प्रार्थना पंक्ति में, वे उसे अनुभव कर लें कि वो यहाँ है। Something happened in the meeting. सभा में कुछ घटित हुआ है। There's two women standing there with both glasses. वहाँ दो महिलाएं चश्मा पहने खड़ी हैं। Somebody touched him with the feeling of their infirmities. Hallelujah. किसी ने उसे अपनी दुर्बलताओं में छुआ है। I could just see the woman what? Your ear trouble. It's gone now. मैं केवल उस महिला को देख सकता हूँ। आपके कान की परेशानी समाप्त हो गई है। Look at the lady, how much she looks like this one. उस महिला को देखें, वो इसके साथ कितनी समानता में है। They were standing there and I could see them, but one was doing this. And there was nothing to this one. वे वहाँ खड़ी थी, मैं उन्हें देख सकता था, परंतु एक ये कर रही थी और इस वाली को कुछ नहीं हुआ। The reason of it is this woman standing for somebody else. That's right. इसका कारण ये है कि ये महिला किसी के लिए खड़ी है, ये ठीक बात है। And that woman's your neighbor. And she's got arthritis. And you're standing for her. और वो महिला तुम्हारी पड़ोसन है और उसे जोड़ों का दर्द है और आप उसके लिए खड़ी हैं। And I see you praying for her because she's not saved and you're praying for her. और मैं आपको उसके लिए प्रार्थना करते हुए देखता हूँ क्योंकि वो बची हुई नहीं है और आप उसके लिए प्रार्थना कर रही हैं। That's a gallant thing. ये बहादुरी की बात है। Put that handkerchief on her that you have in your hand. Tell her not to doubt and to surrender her life to Christ and her arthritis to leave her. ये रुमाल उस पर डाल दें जो कि आपके हाथ में है, उसे बताएं कि संदेह न करे और अपने जीवन को मसीह को समर्पित कर दे और जोड़ों का दर्द उसे छोड़ देगा। रो रही हैं बहन। You believe God? You believe me to be his servant? आप परमेश्वर पर विश्वास करती हैं? आप मुझ पर उसका दास होने का विश्वास करती हैं? You believe God can tell me what you're weeping about and what your desire is? आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर मुझे बता सकता है कि आप क्यों रो रही हैं और आपकी क्या इच्छा है? If you believe that, raise up your hand. यदि आप ये विश्वास करती हैं, तो अपना हाथ उठाएं। You believe that rupture will leave him? क्या आप विश्वास करती हैं कि वो स्वर्ग पर उठा जाने से रह जाएगा? If you believe it, it'll go. Just have faith. Just don't doubt. यदि आप ये विश्वास करेंगी, तो वो जाएगा। केवल विश्वास कीजिए, बस संदेह ना करें। How you do? Yes, we're strangers to one another. The Lord Jesus knows us both. आप कैसे हैं? लगता है हम एक दूसरे से अपरिचित हैं। प्रभु यीशु हम दोनों को जानता है। You're mighty young woman. आप स्वस्थ युवा महिला हैं। But you're not here for yourself. परंतु यहाँ आप अपने लिए नहीं हैं। I see a hospital coming up, a bed that your mother you're praying for, and she's shattered of death. मैं एक अस्पताल देखता हूँ, एक पलंग, और ये आपकी माँ है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रही हैं और उस पर मृत्यु मंडरा रही है। She's suffering with gallbladder tumors and she's got cancer too, a black shadow of cancer. और उनके पित्ते में फोड़ा है और उन्हें कैंसर भी है, कैंसर की एक काली छाया। Take that handkerchief in which you're weeping over, lay it upon her, and call on the name of the Lord and don't doubt. इस रुमाल को जिसे लिए हुए आप रो रही हैं, उसे उसके ऊपर रख दें और प्रभु के नाम पर विश्वास करें और संदेह ना करें। If you won't doubt, God will bring her out of there and make her well. Don't doubt, now go in the name of the Lord and believe. यदि आप संदेह ना करें, तो परमेश्वर उसे वहाँ से निकाल लाएगा और उसे चंगा करेगा। अब संदेह ना करें, प्रभु के नाम में जाएं और विश्वास करें। Are you convinced that Christ lives? क्या आप निश्चित हैं कि मसीह जीवित है?
कुछ सही है। Oh, it's the woman sitting right back behind there in that seat. She suffers with headaches. Oh, ये महिला जो पीछे वहाँ बैठी हुई है उस कुर्सी में वो सर दर्द से पीड़ित है। And she's been praying to the Lord there trying to take care of that child. He heard you, sister. और वो प्रभु से प्रार्थना कर रही है और उस बालक की देख रेख करने के यत्न कर रही है। बहन, उसने आपकी सुन ली है। It's all over now. अब ये समाप्त हो गया है। Just stand up to your feet to give God praise for it, lady. Just give God praise for it. महिला अपने पैरों पर खड़ी होकर परमेश्वर की महिमा करें। केवल इसके लिए परमेश्वर को महिमा दें। See, what did she touch? देखा, उसने किसे छुआ? She never touched me. उसने मुझे कभी नहीं छुआ। But she touched that high priest. I don't know the woman. I've never seen her in my life. परंतु उसने उस महायाजक को छुआ। मैं महिला को नहीं जानता। मैंने उसे अपने जीवन में कभी नहीं देखा। But God healed her just then. Does that make Jesus the same yesterday, today, and forever? परंतु परमेश्वर ने उसे तभी ठीक किया। क्या यीशु को कल, आज और सर्वदा एक सा नहीं बनाता? Sure it does. निश्चय ही ये हो जाता है। If thou canst believe, all things are possible to them that believe. यदि तू विश्वास करे, विश्वास करने वालों के लिए सब बातें संभव हैं। It hits the audience, somebody praying. ये सभा में है, कोई प्रार्थना कर रहा है। See, it depends on where the strength is predominant, where the spirit. I can only follow and say as he says, I don't know. ये निर्भर करता है कि सामर्थ पहले कहाँ प्रभुता करती है। जहाँ पर आत्मा है, मैं केवल अनुकरण करके और वही कहता हूँ जो वो कहता है। मैं नहीं जानता। What's a woman putting on her glasses from weeping? The reason she was weeping because the spirit's on her. There it is. Oh, ये वो महिला है जो रोने के बाद अपना चश्मा पहन रही है। उसके रोने का कारण था क्योंकि वो आत्मा उस पर था। वो वहाँ है। That intestinal trouble that you've been suffering with. Have faith. It'll leave you and never return. जिससे आप पीड़ित हैं, वो आपकी छोटी आंत की परेशानी है। विश्वास रखिए, ये आपको छोड़ देगी और फिर कभी वापस नहीं आएगी। I don't know the woman. I've never seen her. She never touched me. She touched the high priest. मैं महिला को नहीं जानता। मैंने उसे कभी नहीं देखा। उसने मुझे कभी नहीं छुआ। उसने महायाजक को छुआ। If thou canst believe, यदि आप विश्वास करें, it struck another woman. I want anybody that wants to look here. ये दूसरी महिला पर है। मैं किसी को चाहता हूँ जो यहाँ देखना चाहता है। Look at the woman weeping. Look at the other woman sitting normal. Look at the other woman next to her weeping. She had heart trouble. A little lady sitting right there, looking at me with your frown. That's right. उस रोती हुई महिला को देखिए, उससे अगली महिला को देखिए, साधारण रीति से बैठी है। उससे अगली महिला को देखिए, रो रही है। उसे हृदय रोग है। वो बेचारी महिला वहाँ बैठी है, मेरी अपने उससे देख रही है। जी हाँ, ये ठीक बात है। You had heart trouble, it's gone from you. Your faith struck fire with God and you touched him. आपको हृदय रोग था, क्या नहीं था? ये आप में से चला गया है। आपके विश्वास ने परमेश्वर के साथ आग लगा दी और आपने उसे छुआ। Oh, this is wonderful. ओ, ये तो अद्भुत है। देखिए, वो महिला वहाँ अपना सर नीचे किए प्रार्थना कर रही है। सफेद बालों वाली, मेरे लिए अपरिचित है, वहाँ बैठी है। Yes, you turned around, looked at her. She's got gallbladder trouble. जी हाँ, आप घूम कर उसे देखिए, उसके पित्त में गड़बड़ी है। She's been praying for God to take it away from her. And she was praying then, Lord, let him call me. That's right. वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि उसे हटा दे, और तब आप प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु वो मुझे पुकारे। ये ठीक बात है। If that's right, raise up your hand. How do I know your prayer? यदि ये ठीक है तो आप अपना हाथ उठाएं। मुझे आपकी प्रार्थना कैसे मालूम हो गई? It's gone from you. Your faith has healed you. Go home and be well. ये आपके पास से चला गया। आपके विश्वास ने आपको चंगा कर दिया। घर जाएं और चंगे रहें। You believe?
If thou canst believe, all things are possible. क्या विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वास करें तो सब कुछ संभव है. But you have to believe. परंतु आपको विश्वास करना है. Still moves in that district that's sitting in there. अभी भी उसी क्षेत्र में मंडरा रहा है जो वहाँ बैठे हैं. Right here, second from the end, high blood pressure. ठीक यहाँ अंतिम से दूसरा उच्च रक्तचाप. If you believe with all your heart, sister, it's over. Do you believe God? Take him at his word. बहन यदि आप अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करें तो ये समाप्त हो गया. क्या आप परमेश्वर का विश्वास करती हैं? उसे उसके वचनों पर लीजिए. Raise your hand up. That's what she's praying for. Lord, let him call me next to this high blood pressure. ठीक है, अपने हाथ उठाएं. आप यही प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु अगली बार वो मुझे पुकारे इस उच्च रक्तचाप के लिए. I'm a stranger to you. If that's right, wave your hand. मैं आपके लिए अपरिचित हूँ. ये ठीक है तो अपने हाथ हिलाएं. All right, it's gone from you. Go home and be well. ठीक है, ये आपके पास से चला गया. घर जाएं और चंगे रहें. You see what it is? It's faith if you can believe it. आप देखिए ये क्या है? ये विश्वास है. और यदि तू इसका विश्वास कर सकता है. Do you believe? क्या आप विश्वास करते हैं? See those people out there, no prayer cards or nothing. उन लोगों को देखिए जो बाहर हैं, उनके पास कोई प्रार्थना पत्र कुछ भी नहीं है. Are you ready to believe? Is that the way the Lord Jesus did when he was on earth? क्या विश्वास करने के लिए तैयार हैं? क्या इस विधि से प्रभु यीशु ने किया जब वो यहाँ पृथ्वी पर था? Here, is this one man coming? All right. यहाँ है ये वाला श्रीमान. आइए. ठीक है. You don't know what that does to you all, to the Branham Tabernacle. I look here on top of the hand, see? आप नहीं जानते उसने आपके साथ क्या किया इस बर्णम आराधनालय के साथ. अब जरा इस हाथ के ऊपर देखिए, समझे? You know, I don't get like that. What is the spirit of the Lord? It's anointing. आप जानते हैं मैं इस तरह का नहीं हूँ. ये क्या है? प्रभु का आत्मा. ये अभिषेक है. Many people don't understand what anointing means. बहुत से लोग नहीं समझते कि अभिषेक का अर्थ क्या होता है. They think it means to shout. That's joy. वे सोचते हैं इसका अर्थ चिल्लाना होता है. वो आनंद है. Power comes solemn. सामर्थ गंभीरता से आता है. That's the joy of the Lord. This is the power of the Lord. देखिए वो प्रभु का आनंद है. ये प्रभु का सामर्थ है. Healing, making well. उसे चंगा करें, उसे अच्छा करें. But what he done to the little girl sitting the other night crippled up. To the blind man, to the others throughout everywhere. देखिए उसने उस रात्रि छोटी लड़की के साथ क्या किया जो पंगु अवस्था में थी. उस अंधे मनुष्य के साथ, दूसरों के साथ, सब में, हर स्थान पर. How do you do, sir? श्रीमान आप कैसे हैं? I suppose we're strangers to each other. We don't know each other. मैं समझता हूँ कि हम एक दूसरे के लिए अपरिचित हैं. हम एक दूसरे को नहीं जानते. I don't know you, you don't know me. If that's right, raise up your hand. मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते. यदि ये ठीक है तो अपना हाथ उठाएं. All right, our first time meeting. ठीक है, ये हमारी पहली बार की मुलाकात है. Reverend now. अब आदरपूर्ण. Here's a man and he and I, much younger than I, with our hands up to each other before God that this is our first time meeting. यहाँ एक मनुष्य है जो मुझसे बहुत छोटा है. एक दूसरे के सामने प्रभु के समक्ष हमने हाथ उठाए हुए हैं कि हमारी पहली भेंट है. Jesus knows the man. यीशु इस मनुष्य को जानता है. And there must be something wrong. He's standing there. I don't know. और कुछ गड़बड़ होनी चाहिए. ये वहाँ खड़ा है. मैं नहीं जानता. But if I've told the truth, which God has confirmed by many witnesses, that I've told you the truth, that by his stripes you were healed. परंतु यदि मैंने सत्य बताया है जिसकी परमेश्वर ने बहुत सी गवाहियों के द्वारा पुष्टि की है कि मैंने आपको सत्य बताया है कि उसके कोड़ों से तुम चंगे हुए थे. It's a past tense. You've got to get that rugged faith to climb above these things. ये भूतकाल है. आपके पास मजबूत विश्वास होना चाहिए कि इन चीजों के ऊपर चढ़ जाएं. Look at the cancer disappearing here tonight. देखिए आज रात्रि यहाँ से कैंसर गायब हो रहा है. Now you just watch the testimonies come in from it. And black shadows for death. अब केवल आप उस गवाही को देखिए जो यहाँ आ रही है. वे मृत्यु की काली छायाएं. Your lovely doctor might try all he could do to save your life. आपके प्रिय डॉक्टर ने यत्न किया होगा, सब कुछ किया कि आपका जीवन बचा ले. But when God says anything, that's it. परंतु जब परमेश्वर कुछ कहता है तो फिर वही है. It wasn't me. और ये मैं नहीं था. I have nothing to do with it. मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं. Now there's about 200 here to be prayed for. अब यहाँ लगभग 200 हैं प्रार्थना करने के लिए. I want to rest just a minute now. अब मैं थोड़ा सा एक मिनट के लिए विश्राम चाहता हूँ. Then we'll just start praying for the people. Praying them up. Not run them through a line, but standing here praying for them. और तब हम लोगों के लिए प्रार्थना करना आरंभ कर देंगे. उन्हें ऊपर लाएं,
न कि उन्हें पंक्ति में चलाएं, परंतु यहाँ खड़े होकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जो भी प्रार्थना करवाना चाहता है मैं उसके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। परंतु सभा में और वे जो यहाँ मंच पर हैं, मैं चाहता हूँ कि आप पहचानें कि यीशु मसीह यहाँ है। क्या आप सब इस बात से अवगत हैं? हर कोई ये बात जानता है। अब ये बात आपके मस्तिष्क में सदा के लिए तय हो सकती है। ये व्यक्ति और मैं यहाँ अपने हाथ परमेश्वर के सम्मुख उठाए हुए हैं, हमारी पहली बार की भेंट। इफ ही विल स्पीक द सीक्रेट ऑफ हिज हार्ट, यदि वो इसके हृदय के गुप्त विचार को बोलेगा, जस्ट लाइक ही डिड टू द वुमन एट द वेल, जैसा कि उसने कुएं पर स्त्री के साथ किया था, और टू फिलिप, या फिलिपस के साथ, और डाउन टू एनीवेयर डाउन टू हिज मिनिस्ट्री, इफ ही विल डू दैट, विल इट कन्फर्म टू यू ऑल दैट इट्स एब्सोल्युटली हिम, द लॉर्ड जीसस, या कहीं भी सब जगह अपनी सेवकाई के काल में यदि वो ये करेगा, तो क्या ये आप सबको पुष्टि कर देगा कि ये पूर्णतः वही है, प्रभु यीशु? Well, it's you, sir. क्या आपको श्रीमान? I have no way, no idea what your trouble is. मेरे पास कोई विधि नहीं, कोई विचार नहीं कि आपकी क्या परेशानी है। I don't know whether you're a sinner or a Christian. I could not tell you. He does. मैं नहीं जानता कि आप पापी हैं या मसीही। मैं आपको नहीं बता सकता। वो करता है, परमेश्वर करता है, परंतु मैं आपको बता सकता हूँ। परंतु यदि वो मुझे बताए, बट यू आर ए क्रिश्चियन, परंतु आप एक मसीही हैं। बिकॉज एज सून एज योर स्पिरिट कैचेस द एनॉइंटिंग ऑफ दिस स्पिरिट दैट्स ऑन मी, इट वेलकम्स इट, सो आई नो यू आर अ क्रिश्चियन। क्योंकि जैसे ही आपकी आत्मा ने अभिषेक ग्रहण किया जो मुझ पर है, उसने इसका स्वागत किया, इसलिए मैं जानता हूँ कि आप मसीही हैं। And you're under a deep shadow. और आप एक गहरी छाया के नीचे हैं। It's something wrong with the blood. ये लहू के साथ कुछ गड़बड़ है। And you've been to doctors. और आप डॉक्टरों के पास गए थे। And they want to perform an operation. और वे शल्य चिकित्सा करना चाहते थे। And that operation is, I hear them in two doctors consulting each other, and they want to take out an organ out of your body, which is called the spleen. और वो शल्य चिकित्सा मैं उन दो डॉक्टरों का आपस में परामर्श करते हुए सुनता हूँ, और वे आपके शरीर में से कोई अंग निकाल देना चाहते हैं, जो कि तिल्ली कहलाती है। That's right. ये ठीक बात है। And you're not from this city. और आप इस नगर से नहीं हैं। But you're from a great city where there's a great institution of some kind of religion, is Wheaton. परंतु आप एक बड़े नगर से हैं, जहाँ एक प्रकार के बड़े धार्मिक संस्थान हैं, ये व्हीटन है। And your name is Carl Rhodes. Rhodes, son of Carl Rhodes. और आपका नाम कार्ल रोड्स, रोड्स, कुछ कार्ल रोड्स के समान। All right, sir. If you will believe with all your heart, you can return to your home and God will spare your life. Do you believe it? I believe. ठीक है श्रीमान, यदि आप अपने पूर्ण हृदय से विश्वास करेंगे तो आप अपने घर वापस जा सकते हैं और परमेश्वर आपका जीवन बचा लेगा। क्या विश्वास करते हैं? Let us pray. हम प्रार्थना करें। Lord Jesus, I now cast away this evil from our brother, and in the name of Jesus Christ, may he live to the glory of God. Amen. प्रभु यीशु, अब हमारे भाई के जीवन से ये बुराई दूर कर दे, और यीशु मसीह के नाम में वो परमेश्वर की महिमा के लिए जीवित रहे। आमीन। God bless you, brother. On your road rejoicing. भाई परमेश्वर आपको आशीष दे, आनंद करते हुए अपने मार्ग पर जाएं। How many believes now with all your heart? अब कितने अपने पूर्ण हृदय से विश्वास करते हैं? Now, is that all it's going to be prayed for? अब यही सब है जिनके लिए प्रार्थना की जानी है? ठीक है। Well, your back trouble left you while you were sitting there, so you can go on your road and rejoice if you want to. Thank the good Lord. जब आप वहाँ बैठे हुए थे तभी आपकी पीठ की परेशानी आपको छोड़कर चली गई, इसलिए आप अपने मार्ग पे घर जा सकते हैं। यदि आप चाहें तो आनंद करें और केवल ये कहते हुए जाएं, अच्छे प्रभु का धन्यवाद। You go eat your supper, your stomach trouble left you coming in the line, so you can go have your way. Just leave with all your heart. आप जाएं और अपना रात्रि का भोजन खाएं, आपके पेट की परेशानी आपको छोड़ गई है पंक्ति में आते हुए। आप भी जाकर अपना मार्ग लें, केवल अपने पूर्ण हृदय से विश्वास करें। Your arthritis won't bother you if you believe it. Just go right on rejoicing and praising God. आपके जोड़ों का दर्द आपको परेशान नहीं करेगा यदि आप इसका विश्वास करेंगे। केवल बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करें।
भाई यदि आप चाहें ठीक है। All right. Do you believe with all your heart? ठीक है, क्या आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? How many believes God? कितने परमेश्वर पे विश्वास करते हैं? Now, I'm just going to step here just a moment. अब मैं यहाँ एक क्षण के लिए आगे बढ़ना चाहता हूँ।